गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल एवरीबडी जल्दी से एक बार मुझे कन्फर्म कर दो क्या मेरी आवाज सबको आ रही है जय श्री कृष्ण एवरीबडी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आईज एक बार मुझे कन्फर्म कर दो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या जल्दी बताओ फटाफट से क्लियर है फैंटास्टिक ओके अब सुन लो मेरी बात ध्यान से क्या करने के लिए आए आज? आ जाओ सुनो 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 सर क्या करने के लिए आए आज हम क्या करने के लिए आए आज जितनी भी आपके अकाउंट्स की थ्योरी है सर क्या है अकाउंट्स की थ्योरी थ्योरी हाँ जी आपके एग्जाम में अब सुन लो ध्यान से ठीक है चैटिंग बाद में करना बेटा क्योंकि मैं पढ़ने में नहीं वाला हूँ सुन लो hmm. सर so, अगर मैं थ्योरी की बात करता हूँ तो थ्योरी किस तरीके से आपके एग्जाम में आती है और मैं आपको आज किस तरीके से कवर करवाने वाला हूँ है ना आपको पता होना चाहिए कि क्लास में आज क्या होने वाला है तो ध्यान से पाँच मिनट मेरी बात सुन लो उसके बाद शुरू करेंगे हाँ जी बिल्कुल सही देखो ध्यान से हाँ थ्योरी में क्या होता है थ्योरी आपका जो क्वेश्चन नंबर वन होता है क्वेश्चन नंबर वन में आपके आते हैं कुछ ट्रू फॉल्स है ना ये तो हमको पता ही है हमने एम टी भी करा है सर ट्रू फॉल्स आते हैं हाँ जी ट्रू फॉल्स आते हैं और वो ट्रू फॉल्स आते हैं आपके छः दो मार्क्स के आते हैं बारह मार्क्स का आता है ये तो ट्रू फॉल्स अब जो ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में आते हैं राइट right? वो क्या होते हैं वो बेसिकली आपके मेजरली आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से होते हैं सारे नहीं बोलूंगा लेकिन मेजरली मेजरली मैं बोलूंगा कि चार से पांच क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से होते हैं प्योर थ्योरी वो नहीं होता है अच्छा एक दो क्वेश्चन हो सकता है जो आपके प्योर थ्योरिटिकल हो उसके बाद उसके बाद क्या होता है सर फर्स्ट क्वेश्चन में ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो आपका सी पार्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपका फोर टू फाइव मार्क्स का एक प्योर थ्योरिटिकल क्वेश्चन होता है क्या बोला चार से पांच नंबर का वो आपका होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन राइट right? जो हम कवर करेंगे जी बिल्कुल सही उसके बाद उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर सिक्स होता है जी उसमें भी आपका फोर टू फाइव मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है किसका सा थ्योरी का तो कहने का मतलब क्या है सॉरी <coughs> <coughs> कहने का मतलब ये है कि मेजरली जी हम जो आज कवर करने वाले हैं सर आज हम कवर कर लेंगे अराउंड टेन मार्क्स का पोर्शन अराउंड टेन मार्क्स का अच्छा तो दस मार्क आज की क्लास में आपके कवर हो जाएंगे हाँ जी आज की क्लास में आपके कवर हो जाएंगे मैं बात करता हूँ फॉल्स की तो इसकी एक सेपरेट क्लास होने वाली है जिसमें मैं सारे के सारे जितने भी आपके ट्रू फॉल्स एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे के सारे ट्रू फॉल्स मैं आपको एक ही बार करवा दूंगा एक ही बार में हाँ जी एक ही बार बात समझ में आ गई राइट तो ये दो क्लासेस मिल गए ये दो क्लासेस मिलकर अराउंड आपके ट्वेंटी मार्क्स कवर हो जाएंगे राइट right, जी ठीक है शुरू करें अरे शुरू करें क्या हाँ जी शुरू करते हैं तो जो आपका थियोर है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर से तो आज मैं क्लास में करवाने में वा क्या वाला हूँ क्या मैं आपको पूरा एक लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा सब कुछ नहीं सुन लो ध्यान से सर क्वेश्चन आपका जो चैप्टर नंबर वन है आपका जो चैप्टर नंबर वन है उसमें आपके बहुत सारे यूनिट्स हैं अराउंड नौ यूनिट्स हैं अच्छा तो हम क्या करेंगे हम पहले सारे के सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू लेंगे करी है। करी है। इस पीडीएफ में क्या होने वाला है सारे के सारे जितने भी आपके हर चैप्टर के पीछे बैक क्वेश्चन होते हैं हमेशा मैं बोलूंगा नाइनटी चांस ये होता है कि नाइनटी चांस है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख रहे होंगे रिपीट होते हैं हाँ जी रिपीट होते हैं ठीक है तो ये पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो आपके चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रस्ट मी उससे ज्यादा थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत इस टाइम पे नहीं है एवरीबॉडी इज दैट क्लियर अब शुरू करें हांजी राइट <coughs> right तो आज की क्लास में कम्प्लीट हो जाएगा हाँ जी बिल्कुल अब ये कितने घंटे की क्लास होने वाली है मुझे भी नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है कि जब तक पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन कवर नहीं होगा मैं यहां से जानने वाला हूं आपको भी यहां से जाना नहीं है मैक्सिमम तीन से चार घंटे की हो सकती है उससे ज्यादा तो क्या ही होगी तो अगर आपके तीन से चार घंटे में दस नंबर बन रहे हैं तो मुझे लगता है बुरा तो नहीं है <laughs> बात समझ में आ गई पी डी में शेयर कर दूंगा बाद में राइट एवरी वन ओके 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 तो सर हम क्या करने वाले हैं अब हम करेंगे चैट सेक्शन को ऑफ क्योंकि परेशान ना आप मुझे करेंगे ना मैं आपको करूंगा ठीक है आ जाओ <coughs> हम्म और जो बच्चे लाइव आए होंगे कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ना लाइक हाँ जी चलो भाई आ जाओ शुरू करते हैं हाँ जी शुरू करते हैं आराम से बैठेंगे कोई कहीं नहीं जा रहा है कुछ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए फटाफट -फड़ से आ जाओ आपके सर चैप्टर नंबर वन यूनिट नंबर वन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले से ही मैं आपके लिए हाईलाइट कर कर आया हूं ये पीडीएफ भी अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगा टेंशन मतलब सर आपका यूनिट नंबर वन जो है वो क्या है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग जो आपका फोर मार्क के क्वेश्चन बनते हैं कई बार इसी यूनिट से बन जाते हैं ठीक है चीके? तो देखो इस चैप्टर में क्या है कुछ भी नहीं <laughs> कुछ भी नहीं है मतलब मतलब इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या होता है बुक कीपिंग क्या होता है सर उसके सब जो आपके सब फील्ड है उसके सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है यूजर्स क्या होते हैं तो आओ फटाफट -फड़ से एवरीबडी तो सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है बस उतना ही पढ़ना है ट्रस्ट मी उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है सबसे पहला आता है आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कि भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है अब ये पढ़ेंगे हम सर पूरा सिलेबस कवर कर लिया अब ये पढ़ेंगे हाँ फटाफट -फड़ से बरीड करते हैं सबसे पहले तो सर एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग फलाना डिंगाना फलाना डिंगाना हां जी ये डेफिनेशन है बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दी किसने है। सर ये डेफिनेशन जो आई थी वो 1961 में आई थी और ये डेफिनेशन किसने दी थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बस राइट right? और जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सब बच्चों को ऑलरेडी पता है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है अब डेफिनेशन लिखने के लिए मेरे हिसाब से तो आने नहीं वाली है तो चलो फटाफट से आगे ये सर उसके बाद उसके बाद आपको पता है सर जब सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल की जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहला स्टेप सब कौन सा होता है जर्नल का हां जी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जर्नल मतलब जर्नल बोल लो या सब्सिडरी बुक्स बोल लो आपको पता है जब छोटा बिजनेस होता है तो जर्नल होता है जब बड़ा बिजनेस हो जाता है तो हम क्या करते हैं हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं लेकिन सब्सिडरी बुक्स भी है तो क्या ही जर्नल क्यों क्योंकि पहली बार जो मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं वो सब्सिडरी बुक्स में ही कर रहा हूं इसीलिए सब्सिडरी बुक्स हम क्या बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और उसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी बुक्स ट्रू फॉल्स के लिए बता रहा हूँ सर प्राइमरी बुक्स हाँ जी बिल्कुल सही बात है उसके बाद सर उसके बाद आपकी सेकेंडरी बुक्स आती है जिसको हम प्रिंसिपल बुक्स भी बोलते हैं और वो क्या होती है आपकी लेजर लेजर में हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन ऑल राइट ठीक है इसके बाद क्या है उसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से जो आपकी ये डेफिनेशन है जो पुराने जमाने की डेफिनेशन है 1961 की वो डेफिनेशन काफी ज्यादा नैरो है क्यों क्योंकि इसमें आपको क्या बात करी गई है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग जी लेकिन अब क्या है अब अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो काफी इंक्रीज हो गया है सर डायमेंशन ऑफ अकाउंटिंग इज मच ब्रॉडर देन दी डिस्क वट इज डिस्क्राइब इन दी अब डेफिनेशन उस डेफिनेशन में आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात करिए क्लासिफिकेशन की बात करिए समराइजिंग की बात करिए राइट लेकिन अकाउंटिंग में अब और भी बहुत कुछ आता है सर बहुत कुछ क्या आता है बहुत कुछ आता है जो है कॉम्युनिकेशन उस डेफिनेशन में कॉम्युनिकेशन की बात नहीं करिए भाई मैं जर्नल बनाता हूँ मैं लेजर बनाता हूँ ट्रायल बैलेंस मैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सिर्फ यही अकाउंटिंग नहीं है आपको अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आज की डेट में क्या करना होता है अपने यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करनी होती है आपको पता है ना कि कंपनीज को बिजनेसेस को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करने होते हैं पब्लिश करने होते हैं सर यूजर्स क्योंकि डिसीजन लेते हैं अगर मान लो मैं इन्वेस्टर हूं तो क्या मुझे डिसीजन लेना होगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें अगर मैं जॉब ढूंढ रहा हूं तो इस कंपनी में जॉब लू या ना लू हाँ या ना सर बहुत सारे अगर मैं लेंडर हूं जो मैं लोन देता हूं अब मैं लोन देने के लिए क्या करता हूं लोन देने के लिए आपके इंफॉर्मेशन को यूज करता हूं तो ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कॉम्युनिकेट करे तो कॉम्युनिकेशन वाला पार्ट जो है वो नाइनटीन की डेफिनेशन में मिसिंग था हां जी बिल्कुल सही बात है तो क्या बोला गया इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग रिजल्ट जी इसीलिए क्या हुआ इसीलिए सर अमेरिकन अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन इन 1966 याद करने की जरूरत नहीं है बस रीड कर लेना

सर प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स क्या है अब अकाउंटिंग के बेसिकली दो एस्पेक्ट्स है एक तो क्या है इंफॉर्मेशन को जनरेट करना सॉरी In... इंफॉर्मेशन <coughs> को जनरेट करने का मतलब क्या होता है वही सब चीजें कि रिकॉर्डिंग करो जर्नल बनाओ लेजर बनाओ ट्रायल बैलेंस बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ बैलेंस बनाओ ये आप क्या कर रहे हो या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हो उसके बाद अगेन जो दूसरा एस्पेक्ट है उस इंफॉर्मेशन को यूज करना जैसे जो उसके यूजर्स होते हैं अगर मैं बात करता हूं मैनेजमेंट की तो क्या मैनेजमेंट भी यूजर है इन्फॉर्मेशन हाँ, कि मैं? जनरेट तो तो करना और दूसरा एस्पेक्ट है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करना अब जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में वही सेम ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आप आराम से कर लोगे सबसे पहला वही रिकॉर्डिंग जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है क्लासिफिकेशन लेजर में होता है क्लासिफ

Trial balance क्या होती है? एक समरी होती है इसके बाद आप हो? हो. and and account, sheet, इसके बाद बाद क्या बनाते बनाते हो? हो। वो सब चीजें बिल्कुल सही। आपका है इंटरप्रिटेशन ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो इसमें इस, इस कुछ नया नहीं है राइट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आराम से लिखाओगे ऐसा नहीं है कि स्टडी मैट की लैंग्वेज बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके आनी है अरे नहीं रे ठीक है एनालिसिस में क्या होता है सिंपल सी बात है आपके पास जो डेटा है

इसके बाद लास्ट आपको क्या बोला गया कॉम्युनिकेट करना अपने यूजर्स को कॉम्युनिकेट करना कैसे करोगे देखो मैनेजमेंट को कैसे कॉम्युनिकेट करते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करके सर आप उनको ग्राफ्स देते हो अगर आपने मूवीज में देखा हो कि भाई मैनेजमेंट जो है बड़ी बड़ी मैनेजमेंट वो क्या कर रही है अलग अलग ग्राफ बना रखे हैं पिछले साल से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ अगले पांच साल में, में मेरा क्या टारगेट होगा खर्चे कम हुए बड़े हैं वो सब हां जी यूजर्स को कम्युनिकेट करना आप न्यूज़पेपर में क्या करते हो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पब्लिश करते हो अपनी वेबसाइट पे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हो पब्लिश करते हो इसको बोलते हैं कॉम्युनिकेट करना हाँ जी बिल्कुल सही बात है सिंपल सिंपल देखो उसके बाद अगेन जो मैंने हाईलाइट कर रहा नीचे क्या बोला द फर्स्ट टू प्रोसीजरल स्टेजेस मतलब आपका जर्नल और आपका लेजर हम्म ये दोनों अगर मैं कर रहा हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं बुक कीपिंग आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर में आएगा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस होता है ठीक है उसके बाद जब समराइज कर रहा हूं एनालिसिस कर रहा हूं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं कम्युनिकेशन कर रहा हूं ये हमारा अकाउंटिंग में कवर होता है जी जी बिल्कुल सही आगे हम पढ़ने वाले आगे हम हम पढ़ने पढ़ने वाले वाले ठीक है है इसके बाद यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अब यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया भाई कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन को जनरेट करा है इसको आप यूज करते हो क्यों यूज करते हो डिसीजन मेकिंग के लिए जिन जिन लोगों को डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो कैसे करेंगे डेटा का यूज करके तो क्या बोला यूजेज ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड यूजर्स कौन होते हैं आपके इन्वेस्टर्स हो गए एम्प्लॉय हो गए लेंडर्स हो गए सप्लायर्स हो गए ये सब आपके इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं यूज करते हैं गवर्नमेंट हाँ, हो गई टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए तो यूज करेंगे और डिसीजन लेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है अच्छा ठीक है All right, इसके बाद देखो फटाफट से फिर एक लाइन आती है अकाउंटिंग डेटा इज मोर यूजफुल इफ इट स्ट्रेस इकोनॉमिक सब्सटेंस रेदर देन टेक्निकल फॉर्म ये क्या लिख देते हैं पता नहीं सुनो ध्यान से इसका मतलब क्या होता है कि जो आप अकाउंटिंग डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो इट स्ट्रेस मोर ऑन इकोनॉमिक सब्सटेंस

अब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या पॉलिसी है कि जब तक आपके पास बिल नहीं आएगा तब तक मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि हमको पता है हम सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही क्या करते हैं हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल एंट्री पास करते हैं अब मुझे एक बात बताओ मशीन आपके पास आ चुकी है आप उसको यूज कर रहे हो बस उसका इनवॉइस आपके पास नहीं आया अभी पेमेंट नहीं कर रही है अब टेक्निकल फॉर्म क्या है टेक्निकल फॉर्म है कि इनवॉइस नहीं आया तो मशीन की एंट्री पास नहीं करी लेकिन रियलिटी तो कुछ और है आप तो मशीन को यूज कर रहे हो क्या मशीन आपके पास है हाँ तो कई बार क्या होता है कई बार हमें रियालिटी द टेक्निकल फॉर्म आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है आप यूज कर रहे हो रिकॉर्ड करो उसको आप बात समझ में आ गई अच्छा ठीक है right. इसके बाद देखो ध्यान से <laughs> इसके बाद ये टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस इसको आप छोड़ सकते हो ठीक है जो बता रहा हूं उतना कर लेना बस

फिर उसके बाद होता है एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसको एसरटेन करना डिटरमाइन करना कैलकुलेट करना ये yes, सर ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल पोजिशन मतलब बैलेंस शीट उसके बाद बैलेंस शीट बनाना कि मेरे पास कितने एसेट्स है मैंने कितना पेमेंट करना है किससे कितना लेना है कितना कैपिटल का बैलेंस है ये सब क्या होता है आपका फाइनेंशियल पोजीशन इसके बाद है इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स सर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को यूजर्स को प्रोवाइड करोगे ताकि वो डिसीजन ले सके हाँ जी बिल्कुल सही बात है सोल्वेंसी पोजिशन सबको पता है सोल्वेंसी का मतलब क्या होता है डेट रिपेमेंट कैपेसिटी जो आपने लोन लिया है क्या उसको रीपे कर पाओगे सर हमने बचपन में पढ़ी थी क्या करंट रेशियो हाँ जी डेट इक्विटी रेशियो वो सब चीजें निकालना हाँ जी बिल्कुल सर <coughs> तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया आपके पांच ऑब्जेक्टिव और बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना प्रॉफिट को जनरेट करना मतलब करना सोलवेंसी पोजिशन वेरी वेरी सिंपल कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है अब उसके बाद देखो नेक्स्ट अरे इसको क्या हो जाता है सर नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग करता क्या देखो ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव थे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग करनी क्यों है हाना?

अकाउंटिंग क्या करता है आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स क्या वही सारे पॉइंट रिपीट नहीं हो रहे हैं हाँ अरे बहुत आसान है कुछ भी नहीं है ठीक है कुछ कुछ टॉपिक्स आएंगे जो मुझे बहुत समझाने पड़ेंगे लेकिन ये चैप्टर जो हमारा वन है यूनिट नंबर वन ये बहुत आसान है ठीक है सर कंपैरिजन एंड इवेलुएशन यस आपको पता है हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं जो हम कंपनी में बैलेंस शीट बनाते हैं या कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं <coughs> उसमें हमेशा दो साल का डेटा लेते हैं प्रीवियस ईयर करंट ईयर क्यों लेते हैं भाई

ये एम्प्लॉई को खाने पिलाने का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया अच्छा मार्केटिंग का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया फिर आप क्या करोगे उन खर्चे को देख के कुछ कंट्रोल करोगे <coughs> कि यहां पे हम क्या कर पा रहे हैं ये हमारी वीकनेस है हम मार्केटिंग में बहुत खर्च कर रहे हैं ये वाला खर्चा बहुत हो रहा है रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे सर अकाउंटिंग ऑल्सो आइडेंटिफाइज दीकनेस कि क्या गलत चल रहा है बिजनेस में क्या गलत चल रहा है ऑब्बियसली बात है आपके पास डेटा होगा तभी तो आप आउट कर पाओगे कि क्या गलत चल रहा है आइडेंटिफाई yes, किया उसके बाद आप फीडबैक दोगे कि यार ये वाला खर्चा ज्यादा चल रहा है इसको कम करो hmm. ये गलत हो रहा है इसको कम करो ऑल राइट गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन बिल्कुल सही बात है आपको पता है कंपनीज़ दो हजार तेरह जी वो बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है आपको टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स एड बताता है तो जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है जो टैक्सेशन है इन सबको कंप्लाई करना होता है किसको सर अकाउंटिंग को अकाउंटिंग गवर्नमेंट को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि देखो भाई मैंने इतना पैसा कमाया मैंने इतना टैक्स दे दिया है आप चेक कर सकते हो सही है गलत है अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द गवर्मेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन दी एडीडी एज वे कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवन्यू सिंपल बात क्या बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट को मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ कि मेरा इतना जीएसटी का कलेक्शन हुआ था इतना मैंने आपको जीएसटी पे करना है इतना मैंने आपको इनकम टैक्स पे करना है चेक कर लो गलत है तो बता दो ठीक कर देंगे वो सब चीजें ऑल राइट सर तो ये हमारे फंक्शन हो गए रीड करना है और कुछ भी नहीं करना अब आता है कि सर किस पे बुक कीपिंग पे बुक कीपिंग का बहुत सिंपल सा मतलब होता है देखो जो भी हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस होते हैं अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा है और लेजर बना रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा सर रिकॉर्डिंग और लेजर उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बुक कीपिंग अच्छा बस की रिकॉर्डिंग करा जर्नल बनाया लेजर बनाया इसके बाद आपने कुछ नहीं करा है समराइज नहीं करा है आपने प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ नहीं बनाया है। उसको हमने क्या बोला सिंपल सा बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो रिकॉर्डिंग कर रहे हो सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन हाँ जी कुछ नहीं है इसमें देखो <coughs> <coughs> फटाफट से किस पाएंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें सर बुक कीपिंग में क्या है यही डिफरेंस पढ़ना है आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना इट इज अ प्रोसेस विच इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्या बोला कि बुक कीपिंग में आप सिर्फ क्या कर रहे हो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो ना तो कुछ दिमाग लगा रहे हो ना कुछ ट्रांजेक्शन देखा इनवॉइस देखा बिल देखा और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया बात खत्म लेकिन यहां क्या होता है सर आप को रिकॉर्ड करने के समराइज करते हो देखो अकाउंटिंग में तो सब कुछ होता है सर जर्नल से लेके आप कॉम्युनिकेशन तक उस पूरे को आप क्या बोलते हो अकाउंटिंग लेकिन अगर पहले के दो स्टेप की बात करता हूं तो उसको हम सिर्फ क्या बोलते हैं बुक कीपिंग ठीक है कह रहे इट कॉन्स्टिट्यूट बेस फॉर अकाउंटिंग हा देखो इन्होंने बेसिकली किस तरीके से आपको बताया जैसे मान लो सबसे पहले आप क्या करते हो आप रिकॉर्डिंग करते हो ठीक है ठंड गई है <coughs> हाँ जी देखो ध्यान से देखो मैंने क्या बोला देखो आपने क्या बनाया आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया रिकॉर्डिंग हम्म ये नहीं हो रहा इसको कुछ तो हुआ है एक मिनट रुक जाओ ब्रेक फॉर थर्टी सेकेंड्स पानी पी लो <coughs> hmm. सर देखो लेट्स से आप क्या करते हो आप रिकॉर्डिंग करते हो हाँ जी बिल्कुल सही बात है आप उसके बाद क्या करते हो क्लासिफिकेशन करते हो समराइज करते हो एनालिसिस करते हो सर उसके बाद इंटरप्रिटेशन और फिर कम्युनिकेशन यही करते हो ना हाँ जी बिल्कुल से तो देखो कह रहे अगर 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 आप सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो इस, इसको हम क्या बोलते हैं बुक कीपिंग और ये सारे स्टेज को हम क्या बोलेंगे अकाउंटिंग अच्छा वैसे तो अकाउंटिंग में सब कुछ आता है लेकिन डिफ्रेंशियट करने के लिए क्या क्या बोला कि अकाउंटिंग में मेन जो काम है वो समराइज करना ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना समरी बनाना है ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कम्युनिकेट करना ये सब अकाउंटिंग का पार्ट है और सिर्फ ये दो है तो ये क्या बोला बुक कीपिंग क्या है बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बेस है ना अरे आप समराइज किसको करोगे अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप किसको समराइज करोगे समरी किसकी बनाओगे जब तक आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो यही बोल रहा है क्या बोला इट कॉन्स्टिट्यूट एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग अकाउंटिंग का बेस है अच्छा ठीक है और इट इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भाई बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है हां जी आपको कम्युनिकेट करना है किसको यूजर्स को कैसे कम्युनिकेट करोगे अकाउंटिंग के थ्रू तो अकाउंटिंग के असर अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस हमने पहले भी पढ़ रखा इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसको ध्यान से देखो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस जैसे मैंने आपको बोला कि भाई बुक कीपिंग में आप दिमाग में लगाते हो दिमाग लगाना होता है ट्रेडिंग एन प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट में वो सबके बुक कीपिंग में नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके बाद मैनेजेरियल डिसीजन कैन नॉट भी टेकन मुझे बताओ अगर मैं मैनेजमेंट हूं तो क्या मैं जर्नल और लेजर को देख के डिसीजन लूंगा नहीं मेरे को ट्रायल बैलेंस चाहिए मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए मेरे को बैलेंस शीट चाहिए तभी मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगा कि भाई मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूं जब तक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालूंगा जब तक बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा मुझे पता कैसे चलेगा मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूं सर मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है बैलेंस शीट से बच चलेगी मेरा बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से बच चलेगा तो मैनेजमेंट के लिए बुक कीपिंग का कोई यूज नहीं है हाँ जी अकाउंटिंग मैनेजेरियल डिसीजन केन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड्स मतलब अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स पे ठीक है उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग की कुछ सब फील्ड्स होती है बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं होती है अब आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? कि भाई अकाउंटिंग की सब फील्ड क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिली अकाउंटिंग ये सब क्या अकाउंटिंग के टाइप्स है अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेकिन बुक कीपिंग के ऐसे कोई सब फील्ड नहीं है फाइनेंशियल पोजिशन कैन नॉट बी एसेंटेट भाई सिंपल सी बात है बुक कीपिंग से आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन पता नहीं चलती है फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है मेरे अकाउंटिंग में, तो में, में पता चलता है आपके जितने भी दे रखे हैं, आपको आने चाहिए सर फोर मार्क्स में डिफरेंस का क्वेश्चन परफेक्ट बनता है तो ये आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से ठीक है समझा दिया मैंने कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब फील्ड्स अकाउंटिंग में क्या आता है सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हो

तो जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है जो इन्फॉर्मेशन आप जनरेट कर रहे हो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे जैसे भाई को डिसीजन लेना है कि मेरा रेवेन्यू किस तरीके से इंक्रीज करेगा हाँ तो उसको क्या चाहिए उसको अपने पिछले पांच साल के रेवेन्यू का डेटा चाहिए तो वो सब क्या है अगर आप उसको प्रिपेयर करोगे हां जी तो वो आपका क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इफॉर्मेशन लोगे और उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करोगे ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया सर आपने रेशियोज के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है ना ये सुनो ट्रेंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया तो वो सब चीजें आपकी क्या हो जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ नहीं देखो क्या बोला गया सर ग्रुपिंग द इन्फॉर्मेशन पीपीटी वगैरह बना दी ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स उनको भाई रिपोर्ट चाहिए कि भाई एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के दो कि कौन सा खर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है कि भाई खर्चे में ट्रेंड क्या आ रहा है प्रॉफिट में क्या ट्रेंड आ रहा है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो जो भी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसी का यूज करेंगे बस उसको प्रेजेंट अलग तरीके से करेंगे मैनेजमेंट को उसको हमने बोला मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है सर ग्रुपिंग द इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट एज डिड बाय द मैनेजर्स वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी सिंपल ये जो होता है क्या है इट इज इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप क्या करते हो अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करते हो बाहर वालों को कम्युनिकेट करते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं करते हो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके बिजनेस के अंदर के लिए है बाहर वालों के लिए नहीं होती है भाई आपके के अंदर है ना अच्छा ठीक है इंटरमीडिएट मतलब में आप पढ़ोगे भी से राइट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चाहिए मुझे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए कि मैं कपड़े बना रहा हूं तो मेरे कपड़ों की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है वो पूरा का पूरा आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है ठीक है नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको पता है बिजनेस को क्या करना होता है बिजनेस को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है कि भाई जितना भी पैसा आप कमा रहे हो जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उसका कुछ पोर्शन सोशल रिस्पॉसिबिलिटी सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करो तो भाई उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है कितना खर्चा किया है उससे क्या हुआ है उसका इंपैक्ट क्या आया वो सब अकाउंटिंग हम क्या करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर सोशल कॉस्ट है ना जैसे मान लो आपने पेड़ लगाया तो उसमें कितना खर्चा आया वो सब चीजें ऑल राइट सर ऑल राइट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अब इसका मतलब क्या होता है ये जो अकाउंटिंग है वो थोड़ी सी क्या है अभी पूरी नहीं है मतलब इट इज एन अटेम्प्ट पे लिखा भी हुआ है सर दिस इज एन अटेम्प्ट जी जैसे आपको पता है कि भाई कोई भी बिजनेस का सक्सेस या फेलियर उसके एम्प्लॉय डिसाइड करते हैं अगर आपके पास एम्प्लॉय बहुत बढ़िया आपके पास टीम बहुत अच्छी है हाँ जी तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे राइट <coughs> लेकिन वो एम्प्लॉय की जो क्वालिटी है यस सर उसका जो टैलेंट है उसकी डेडिकेशन है उसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है ये तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या एक अटेम्प्ट है आइडेंटिफाई करने का क्वांटिफाई करने का क्या सर कि जो आप एम्प्लॉज को ट्रेनिंग दे रहे हो उस ट्रेनिंग से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है तो जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज पे आप खर्चा कर रहे हो उससे आप जो बेनिफिट मिल रहा है उसको उसको अकाउंट करना हमने क्या क्या बोला ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग देखो लिखा इट इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स आपने किसी को हायर करा हाँ तो हायर करने का कितना खर्चा होता है भाई खर्चा लगता है एडवर्टीजमेंट करना वो सब चीजें करना हाँ जी ये yes सुनो किसी एम्प्लॉय को हायर करने का खर्चा उसको ट्रेनिंग देने का खर्चा वो सब चीजें यहां पे आती है हंज से, उसको अकाउंट करना उतना आसान होता नहीं है इसलिए क्या बोला दैट आर नॉट प्रेजेंटली अकाउंटेड अभी उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है नहीं कर पाते हैं लेकिन इट इज एन अटेम्प्ट उसको हमने क्या बोला ह्यूमन रिसोर्स आपको छे के छे जो पांच यहाँ पे पांचों के पांचों के नाम और थोड़ा बहुत जैसे मैंने आपको समझाया वो आपको लिख के आना है और कुछ भी नहीं करना क्योंकि चार पांच नंबर से ऊपर का क्वेश्चन आता नहीं है ठीक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है आप समझ गए कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट रिपेयर करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन जनरेट करना कॉस्ट अकाउंटिंग अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज की पर यूनिट कॉस्ट निकालना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल कॉस्ट जो आपकी होती है जो आप सोसाइटी के लिए कॉस्टिंग कर कर रहे हो सर उसकी अकाउंटिंग करना और ह्यूमन रिसोर्स हमने भी पढ़ा ठीक है इसके बाद <coughs> बात आती है किसकी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं तो बहुत सारे होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यहां इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा लेकिन इंटरनल में क्या होता है इंटरनल मतलब मैनेजमेंट आपके ओनर यही दो होते हैं मेनली सर आपकी मैनेजमेंट और आपके ओनर वो इंटरनल है मतलब सर आपके बिजनेस के अंदर हाँ उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कई बार अनपब्लिश्ड होती है जैसे मान लो कॉस्ट पर यूनिट क्या आप बाहर वालों को बता सकते हो नहीं लेकिन मैनेजमेंट और ओनर को पता होता है करेक्ट है राइट right? तो वो आपके इंटरनल यूजर है एक्सटर्नल यूजर्स बाहर वाले जो आपके लेंडर्स हो गए आपके सप्लायर हो गए आपके इन्वेस्टर्स हो गए जिनको आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हो ठीक है तो सबसे पहले क्या है सबसे पहले इन्वेस्टर सिंपल सी बात है इन्वेस्टर क्यों है यहाँ पे यूजर देखो यूजर का मतलब क्या होता है यूजर का मतलब होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं कोई डिसीजन लूंगा एक्सक्यूज मी सर वो कौन होगा वो आपका यूजर होगा हाँ जी बिल्कुल सही बात है अब इन्वेस्टर को क्यों चाहिए इन्वेस्टर को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि रिलायंस कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसकी बैलेंस शीट क्या है कितना लोन ले रखा है कितने एसेट्स हैं ये इन्वेस्टर्स है ठीक है इसके बाद करते हैं एम्प्लॉयज की अब अगर करेंटली जो आपके कंपनी में एम्प्लॉयज हैं भाई उनको भी तो पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही है उसको बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा भाई बंद तो नहीं होने वाली दूसरी नौकरी ढूंढे या ना ढूंढे सर कितना अप्रेजल होगा हाँ वो सब चीजें एम्प्लॉयज को जाननी होती है यहाँ पे लीडर लिखा है लेकिन ये कौन है लेंडर है ठीक है ये गलत लिखा है यहाँ पे इसको काट के क्या लेते हैं हाँ जी सर लेंडर्स कौन होते हैं लेंडर्स होते हैं जो आपको पैसा लेंड करते हैं मतलब पैसा देते हैं आपको जैसे बैंक्स वगैरह हो गए अब बैंक अगर आपको पैसे दे रहा है तो फ्री फंड में नहीं देगा अरे मेरे चाचा जी थोड़ी है वो सर अगर आपको वो पैसा देंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे सर आपके बैलेंस शीट आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे <coughs> सही बात है <coughs> इसके बाद कौन है सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स जिनसे आप उधार पे सामान ले रहे हो अब ऐसे थोड़ी कहीं भी जाओगे और आपको उधार पे सामान मिल जाएगा भाई अगर वो आप उनसे उधार पे सामान ले रहे हो तो दे हैव टू मेक श्योर कि हाँ आपके पास रीपेमेंट कैपेसिटी है आप पैसा लौटा दोगे जल्दी लौटा दोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है दे आर इंटरेस्टेड इन द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे ड्यूज सिंपल सी बात है ठीक है कस्टमर्स सर कस्टमर को क्यों चाहिए देखो कस्टमर आपका बहुत बड़ा यूजर तो नहीं है ये तो ऑब्वियस सी बात है राइट लेकिन हुँ. आज की डेट में जैसे मान लो आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि लेट से आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो मेडिसिन की बात कर लेते हैं अगर आप मेडिसिन यूज कर रहे हो हाँ जी तो कस्टमर सार इंटरेस्टेड यार अगर मैं मेडिसिन यूज कर रहा हूं तो मैं एक बार देख लूं कि कहीं ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी भाई मैं मेडिसिन यूज कर रहा हूं कल को ये मेडिसिन आना बंद हो गई तो ऐसा हो सकता है हाँ जी ऐसा हो सकता है ऐसा ना अगर मैगी की बात करें तो मैगी में भी ऐसा हुआ था सर जब मैगी में नेगेटिव न्यूज आई थी तो कितने सारे लोग मैगी में इंटरेस्टेड हो गए थे हाँ जी बिल्कुल सही बात है तो बहुत सारे कस्टमर्स मैं सारे नहीं बोलूंगा हम तो बेटा बहुत सारी कंपनी के नहीं देखते हैं लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो हाँ जी कुछ गलत तो नहीं हो रहा बिजनेस डाउन तो नहीं हो रहा वो सब चीजें और आपके कस्टमर्स जो होते हैं ये सर कस्टमर्स की बात करो या पब्लिक की बात करो ये तो दो दोनों चीजें अब ये जनरली इस, इस इन्हीं में आपके कुछ इन्वेस्टर्स छुपे होते हैं इन्हीं में आपके कुछ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज छुपे होते हैं जो आगे जाके जॉब ढूंढेंगे हाँ जी वो सब चीजें होती है ठीक है ऑल देखो

कि वो कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर गई अब जिन्होंने फोर्ड की गाड़ी परचेस कर रखी थी उनके सर्विस सेंटर बंद हो गए प्रॉब्लम हो गई हाँ प्रॉब्लम हो गई इसलिए कस्टमर्स आजकल थोड़े से इंटरेस्टेड हो गए कि हाँ भाई बिजनेस बंद हो जाएगा तो मैं अपनी गाड़ी की रिपेयर कहाँ पे कराऊंगा सर सर्विस सेंटर बंद हो जाएंगे समझ रहे हो आप ठीक है इसके बाद गवर्नमेंट एंड दियर एजेंसी ऑब्वियस बे बात है भाई गवर्नमेंट को क्योंकि आपसे टैक्स लेना होता है गवर्नमेंट चाहती है कि आप सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करो जो भी चीज़ें आपकी मोनोपली क्रिएट ना हो बहुत सारी चीजें होती हैं

तो वो सब चीजें इसलिए आपके बिजनेस में वो इंटरेस्टेड है मैनेजमेंट तो है ही सर लास्ट में इन्होंने मैनेजमेंट लिखा है सबसे पहले लिखना चाहिए था मैनेजमेंट तो सर ऑब्वियसली बात है कि उनको देखना है कि बिजनेस सही चल रहा है गलत चल रहा है कहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा है रेवेन्यू कम हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो सब चीजें मेन अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आप यूजर्स को डिफाइन करो सर एक तो इन्वेस्टर्स को डिफाइन करना बहुत आसान है इन्वेस्टर्स के बारे में आप लिख सकते हो क्योंकि उनको क्या करना है उनको तो ये देखना है कि कहां पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पे ज्यादा होगा ये सर एंप्लॉज का आप लिख सकते हो हाँ जी बिल्कुल सही क्योंकि उनको क्या देखना है उनको देखना है कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है भाई बंद तो नहीं हो जाएगी बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब चीज हो गया ले आराम से लिख दोगे भाई वो आपको पैसा दे रहे हैं तो वो आपके क्या देखेंगे लॉन्ग टर्म सोलवेंसी कि आप प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे सप्लायर्स के देखेंगे रीपेमेंट कैपेसिटी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी कि आप तीस दिन के अंदर मुझे पैसा दे पाओगे नहीं दे पाओगे ठीक है चार तो ये हो गए हाँ जी मैनेजमेंट हो गया पांच पांच ये सर सर गवर्नमेंट छे आपके और आपका आपका काम खत्म right, इसके बाद आता आपका Again, है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है क्वेश्चन बहुत ही रेयरली बनेगा इससे लेकिन एक बार फटाफट -फड़ से पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है देखो सबसे पहले सॉरी सर रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का बाकी डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट अकाउंटिंग का बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या रिश्ता है बहुत गहरा रिश्ता है ठीक है सर अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं अब देखो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि किस कि तरीके से मैं अपने रिसोर्सेज को यूज करूं जिससे मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले हाँ जी मैक्सिमम बेनिफिट मिले वो सब चीजें अच्छा ठीक है अब अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स किस तरीके से जुड़े हुए हैं देखो इकोनॉमिक्स में आपको क्या लेना डिसीजन लेना है क्या डिसीजन कि भाई मैं रिसोर्सेज को कैसे यूज करूं कहां पे यूज करूं हां जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सर कहां पे यूज करूं कहां पे इन्वेस्ट करूं ये सब चीजें अब उसके लिए भी तो आपको डेटा चाहिए सर डेटा चाहिए नहीं चाहिए बिल्कुल डेटा चाहिए कि भाई अगर मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो कहां पर इन्वेस्ट करने चाहिए कहां पर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा अरे ये सुनो मशीनरी परचेज करूं या ना करूं सर अपने एम्प्लॉइज को हायर और करूं या ना करूं इससे मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा क्या उसमें आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग डेटा का यूज नहीं आएगा बिल्कुल आएगा

कि जो भी आपको डिसीजन लेना है कि कहां पे इन्वेस्ट करना है किसको हायर करना है क्या नहीं करना वो सब आपको अकाउंटिंग हेल्प करता है इकोनॉमिक थ्योरीज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग टूल्स जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपको अगर अकाउंटिंग में क्या करना होता है अकाउंटिंग में सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करनी होती अब अकाउंटिंग का स्कोप बहुत बढ़ गया हां जी बहुत बढ़ गया तो आपको अगर रेवेन्यू इंक्रीज करना है कॉस्ट को डिक्रीज करना है तो वहां पर इकोनॉमिक थ्योरीज यूज होती है सिंपल सी बात है ठीक है यहां पे एक एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं <coughs>

जितना भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू लेकिन अकाउंटिंग में क्या हुआ अकाउंटिंग क्यों अकाउंटिंग बोल रहा है ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है फ्यूचर में बेनिफिट कितना डिराइव होगा वो सब चीजें उसकी लाइफ वगैरह वो सब चीजें तो बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा अकाउंट्स ने क्या करा इसी का यूज करा लेकिन अपना तड़का डाल दिया अकाउंट्स ने क्या बोला अकाउंट्स ने बोला यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है हम क्या करते हैं हम एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस भी हैं लिंक भी है सिंपल सी बात है जैसे मैंने बोला एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है फिर भी एक बार रीड करके जाएंगे कि अगर मान लो गलती से आ भी जाए तो कुछ तो लिखाएंगे हाँ लिखाएंगे ठीक है इसके बाद बात करता है अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स की स्टैट्स का मतलब क्या होता है देखो अकाउंट्स में होता है जब आप एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो अकाउंटिंग इज वेरी प्रिसाइज एक एक रुपए को रिकॉर्ड कर रहे हो हाँ जी वेरी प्रिसाइज

डिसीजन मेकिंग मतलब क्या हो गया कि आपको देखना है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है अगर कम हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए तो मुझे एक एक रुपए नहीं देखना है मुझे ट्रेंड देखना है कि भाई मैं ग्राफ देखूंगा कि ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो यही बोला गया कह रहा है सच प्रसिशन इज नॉट नेसेसरी एंड हेंस द स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन आर सॉट देखो कह रहा है स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद टिपिकल वैल्यू बिहेवियर और ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भाई स्टैट्स में आप क्या देख रहे हो आप ट्रेंड देख रहे हो कि बढ़ रहा है कम हो रहा है पिछले पांच साल में कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ वो सब चीजें ठीक है वेयर एवर अ नीड फॉर ओनली ब्रॉड जनरलाइजेशन जहां पे आपको एक एक रुपए को नहीं देखना है। बस आपको ये देखना है कि मेरा पिछले बार से लाइबिलिटी कम हुई है ज्यादा हुई है ऑन एन एवरेज मेरा रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज मेरा कॉस्ट कितना बढ़ रहा है प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है तो यहां पे जहां पे ब्रॉड जनरलाइजेशन ऑफ द एवरेज ऑफ रिलेशनशिप्स जैसे मैंने बोला ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं स्टेटिस्टिकल मैथड्स जैसे अकाउंटिंग रेशियोज में क्या निकाल रहे होते हैं कि जनरल जी कि भाई मेरा रेवेन्यू जो है एसेट का थ्री टाइम्स है फलाना डिंगाना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वो सब चीजें आपके स्टेटिस्टिकल जो आपके मेथड से वहां पे यूज हो रहे हैं अकाउंट्स और स्टैट्स अच्छा ठीक है यहां पे एक चीज और है इन अकाउंटेंसी अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रेशियोज आर बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल मेथड्स

अकाउंटिंग कॉम्पिटिशन अगर आपको मैथमेटिक नहीं आती है तभी तो पढ़ा रहे हैं अगर मैथमेटिक नहीं आती तो अकाउंट्स करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा का NVD, जो सबसे आसान और सबसे दो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिया यूज फॉर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भाई वो भी तो मैथमेटिक्स से ही आ रहे हैं

हवा में तीर मारने या क्या नहीं सर अगर मैं मान लो मैं किसी कंपनी के मैनेजमेंट में हूं मुझे कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले मेरे सामने क्या होनी चाहिए सर सारी इंफॉर्मेशन कि मेरा बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है क्या उसकी पोजीशन है पिछले तीन साल का पिछले पांच साल का सब कुछ अच्छा देखो क्या अ लार्ज पोर्शन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग सर उसका प्रॉपर एक ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन द मैनेजमेंट टर्म अच्छा इन द मैनेजमेंट टीम एन अकाउंटेंट इज इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड एंड यूज सच डेटा तो इन दोनों का रिश्ता तो उनको समझ में आ गया जैसे मैंने बोला ये जो टॉपिक है जितना हाईलाइट करा है उतना पढ़ लेना क्योंकि वो आपको समझ में आ जाएगा और उतना ही आपको वहां पे लिख के आना है अगर गलती से एग्जाम में आया आने के चांसेस बहुत कम है ठीक है लेकिन फिर भी कवर करना है कवर करना है। इसके बाद लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है हाँ जी एग्जाम में आ चुकी है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग सबको ऑलरेडी पता है कम से कम आपको चार से पांच लिमिटेशन पता होनी चाहिए जो कि आसान भी है सबसे पहला कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी सर अकाउंटिंग में मैं बस वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता हूँ जिसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ सर लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं मनी में मेजर नहीं कर पाता एम्प्लॉय का स्किल्स हो गया हाँ जी सर डायरेक्टर्स ने कोई डिसीजन लिया कोई नया प्रोडक्ट आया कंपटीशन हाँ जी कंपटीशन ने कुछ किया उसकी वजह से मुझे क्या इंपैक्ट हुआ तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं राइट right, कोविड आ गया सर उसका इंपैक्ट क्या आया लेकिन मैं उसको मनी में मेजर नहीं कर सकता इसलिए तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करता तो ये हमारा बहुत बड़ा लिमिटेशन है इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी लोयलटी स्किल्स ऑफ पर्सोनल हाँ जी क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता ठीक है देन यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं सर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं हिस्टोरिकल बेसिस है मतलब मतलब पास्ट ट्रांजेक्शन है सर इट इज नॉट द नॉट ऑन द फ्यूचर डेट मतलब कि भाई जो हो चुका है उसी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं सर जो हो चुका है मैं उसी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे को वो नहीं जानना मेरे को जानना है फ्यूचर क्या मैं फ्यूचर जान पाऊंगा नहीं एक्सक्यूज <coughs> मी सर मैं फ्यूचर नहीं जान पाऊंगा मैं तो सिर्फ जो हो चुका है जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स उसी को रिकॉर्ड कर रहा हूं क्या मैं फोरकास्ट कर पाता हूं मैं नहीं कर पाता हूं ये बात तो सच है ठीक है देखो क्या बोला गया कि जितने भी आपके यूजर्स हैं दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द द ऑफ बिजनेस इन नियर फ्यूचर अगर मान लो मैं इन्वेस्टर हूं मुझे किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मुझे तो ये जानना है कि कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट करेगी या लॉस करेगी लेकिन वो आपको अकाउंट से पता नहीं चल पाता है इग्नोर चेंजेस इन द सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन जैसे जैसे अगर पिछले साल साल मान लो पहले अच्छा अगर मान लो साल पहले आपने कोई मशीन परचेस करी थी कितने की सर दस हजार रुपए की क्या वही मशीन वही मशीन आज आप टेन थाउजेंड की परचेस कर पाओगे सर नहीं कर पाएंगे कर पाएंगे क्या नहीं, नहीं कर पाएंगे ना बहुत सही बात है नहीं कर पाएंगे हाँ या ना सर

एक आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल कॉस्ट वो क्या बोलता है वो बोलता है कि आपको अपने सारे के सारे एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने चाहिए अच्छा और एक हमारा होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है जैसे हम बात करते हैं इन्वेंट्री की अब हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलता है कि इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो लेकिन प्रूडेंस बोलता है इन्वेंट्री को हां जी कॉस्ट और एनआरवी एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करो तो क्या ये दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपस में वॉयलेट हो रहे हैं हाँ सर हो रहे हैं ना बिल्कुल हो रहे हैं तो वही बोल रहा है कि कई बार आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपस में क्या हो जाते हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों अलग अलग बातें बोल रहे होते हैं हमको समझ में आता हम क्या करें इसके बाद कई जगह आपको अकाउंटेंट को पर्सनल जजमेंट यूज करनी होती है जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है कहीं लिखा नहीं हुआ है वो आपके जजमेंट के ऊपर है अच्छा डेप्रिसिएशन का परसेंटेज आपके जजमेंट के ऊपर है कितना परसेंटेज लगाए अब बात समझ रहे हो तो वहां पर कहीं ना कहीं बायसनेस आ सकता है

कि भाई डेप्रीसिएशन को लगाने के बहुत सारे मेथड मैथल्यू डी बी बहुत सारे इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करने के फीफो, लीफो हां जी तो कई कई बार बार क्या होता है है अकाउंटेंट उस मेथड को यूज करता जिससे आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंट आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखे हां जी तो वो मेन्यूपलेशन हो सकता है क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है सर आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है तो आप वही ऑल्टरनेटिव चूज करते हो जो आपके लिए बेटर होता है वो चूज नहीं करते हो जो सही है आपने क्या चूज कर लिया आपने चूज किया फीफो क्योंकि आपको कुछ ना कुछ करना था सर मैं बेसिकली आपके बिजनेस के लिए वेटेड एवरेज सही हो सकता था सर वेटेड एवरेज ज्यादा अप्रोप्रिएट था लेकिन आपने चूज किया फीफो। आपको लगाना था एस एल एम लेकिन आप लगा रहे हो डब्ल्यू तो जो भी है तो क्या बोला क्योंकि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम कहीं ना कहीं वहां पे मेन्यूपलेन्स के चांस है, है तो ये आपकी कुछ लिमिटेशन है बहुत सिंपल सी लिमिटेशन है आप आराम से लिख पाएंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है ठीक है Right, इसके बाद है रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी सोसाइटी में अकाउंटेंट का रोल क्या है ओए oh, oh, होए वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले क्या देखो जो हमारे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे गीत कॉल द अकाउंटेंट्स प्रोफेशन द फेयरस्ट इन्वेंशन ह्यूमन माइंड क्या बात है इतनी इज्जत तो सर कहीं मिली नहीं हमको देखो आ जाओ

सर कौन करता है कौ? इसकी सर्विस कौन देता है इसका मतलब क्या होता है आप इंटरमीडिएट में ऑडिट करके इसका मतलब होता है कि जो कंपनीज होती है कंपनीज को एक करवाना होता है जो भी कंपनीज ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट है उसको चेक करना उसको एग्जामिन करना हाँ जी राइट एनालाइज करना कि भाई उन्होंने सही करा है या गलत करा

ऑर्डर आएगा और वो चेक करेगा ये yes सर उसने कोई गलती निकाल दी तो क्या होगा वो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो आप क्या करते हो आप अपने कंपनी में ही एक टीम बनाते हो इंटरनल ऑडिट कि भाई तुम टाइम टू टाइम चेक करते रहो तुम पहले चेक करते रहो कि कुछ गलती तो नहीं हो रही भाई बाहर वाला आएगा वो गलती निकालेगा इससे पहले हम खुद ही ठीक कर लेते हैं हां जी उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट करवाना दिस इज अ मैनेजमेंट टूल आप ही खुद करवा रहे हो आप ही की कंपनी में लोग बैठे हुए हैं हाँ जी बिल्कुल सही बात है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर जी बिल्कुल सही अच्छा वो क्या करेगा एग्जामिन करेगा आपका अकाउंटिंग किस तरीके से कर रहे हो आपका प्रोसेस क्या है आपका सिस्टम क्या है वो सब चीजें ओके टैक्सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स कैलकुलेट करना भाई जिसको इनकम टैक्स पे करना है सबको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता है हम करवाएंगे हाँ जी इनकम टैक्स पे करना है जीएसटी की रिटर्न भरनी है वो सब हम कौन करेगा हम करेंगे हाँ जी बिल्कुल सही कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है किसी कंपनी के पास नोटिस भेजता है कि भाई तुमने गलत इनकम टैक्स पे करा है तुमने ये गलत कर दिया अब उनको थोड़ी पता है क्या करना है तो आप क्या करोगे आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे कंपनी के बिहाफ पे आप क्या करोगे सर फाइल बनाओगे ये सर उस केस को लड़ोगे हाँ जी बिल्कुल सही ठीक है <coughs> <coughs> इसके बाद क्या इसके बाद है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस इसका मतलब क्या होता है सेम मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग लेने में कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है देखो आपके बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आप क्या कर रहे हो आपको एक बार रेवेन्यू मुझे इंक्रीज करना है खर्चे कम करने हैं आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई सबसे क्वालिफाइड पर्सन कौन है आपका सीए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आपको कंसल्टेंसी देगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए राइट right? मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कहां पे इन्वेस्टमेंट करो कहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करो मशीन लेनी है नहीं लेनी है एम्प्लॉय हायर करने है नहीं करने है प्राइस बढ़ाना है प्राइस नहीं बढ़ाना है वो सब चीजें ओ oh! एक तरीके से क्या है एडवाइजरी फंक्शन है वो आपको बताएगा आपको क्या करना है आपको क्या नहीं करना है राइट right, ठीक है ओके okay. इसके बाद क्या है फाइनेंशियल एडवाइस अब जो मैं आपको बता रहा हूं हाँ जी आपको इनके नाम तो याद होने चाहिए राइट right? इसके अंदर एक एक दो लाइन आपको लिखनी होगी और कुछ भी नहीं और right. इसके बाद क्या है फाइनेंशियल एडवाइस मेनी पीपल हाँ जी नीड हेल्प एंड गाइडेंस इन प्लानिंग पर्सनल फाइनेंशियल मतलब पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें भाई मेरे पास पैसा है उस पैसे का करना क्या है सर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड्स में एफडी में कोई और स्कीम है वो बता दो रियल एस्टेट वगैरह कुछ तो बता दो अच्छा इंश्योरेंस कौन सा ले अगर मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेना तो कौन सा लेना है हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लेना है वहाँ पर भी, भी आ जाते हैं सर बिजनेस एक्सपेंशन आपको बिज़नेस एक्सपेंड करना है तो किस तरीके से एक्सपेंड करें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये सर किस तरीके से मतलब मतलब एक नया ब्रांच खोले अच्छा सर या फिर कुछ एजेंसी कुछ भी आपको किस तरीके से बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहिए वो आपको बताएगा

एक तरीके से वो ऑडिट वाला फंक्शन ही है कि भाई आपको क्या करना है आपको चेक करना है कि जो फाइनेंशियल पोजिशन बनी है जो आपकी बैलेंस शीट बनी है अच्छा वो सब ठीक है या नहीं है और राइट ठीक है इन्वेस्टिगेट करने का मतलब क्या होता है एग्जामिन करना चेक करना कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है सिंपल सी बात है देखो टू हेल्प मैनेजमेंट टू डिसाइड इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए मुझे कपड़े मैन्युफैक्चर करने हैं अब रॉ मटेरियल मैं खुद से मैन्युफैक्चर करूं अच्छा या मैं कहीं से खरीद लूँ भाई मेरे लिए ज्यादा सस्ता क्या पड़ेगा कि मैं फैक्ट्री में खुद से बनाऊं या मैं कहीं बाहर से खरीद लूं अच्छा प्रॉफिट क्यों गिर गए ये पता लगाओ एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट भाई मैनेजमेंट क्यों डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना अगर कोई फ्रॉड हो गया तो वो कैसे हो गया है कहां पर हुआ है किसने करा है उसको चेक करना इन्वेस्टिगेट करना वो सब चीज़ें और कुछ नहीं है ठीक है सर पेंशन स्कीम्स अब इसका मतलब क्या होता है बहुत सिंपल सी बात होती है ठीक है आपको पता है कि एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के टाइम पे जो पेंशन वगैरह मिलती है वो सब चीजें हो गई राइट वो कौन सी स्कीम में आपको डालना है आपको पता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह होते हैं तो वो सब चीजें सर बहुत सारे और भी सर्विसेज हैं हाँ आप यहाँ पे जब आपका एग्जाम के बाद मन करे ना कि आप लोगों को लगे आप फ्री हो गए हो तो ये पढ़ना की सीएस क्या क्या कर सकते हैं ठीक है अभी इतना कुछ इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है सेक्रेटरी वर्क कंपनीज को फॉर्म करवाना कंपनीज के फॉर्म्स भरना आपने लॉ में पढ़ा होगा सर वो वाला काम भी हम कर सकते हैं अच्छा ठीक है शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क इसका मतलब क्या होता है भाई आपको शेयर इशू करवाने हैं आईपीओ आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर हमने पढ़ रखा है कि पब्लिक को शेयर इशू करने उसमें आपको हेल्प करता है प्रोस्पेक्टेस फॉर्म करने में आपको हेल्प करता है कंपनी के फॉर्मेशन में आपको हेल्प करता है तो ये बहुत सारी और चीजें जिसमें आपका आपका सी आपकी आपकी हेल्प हेल्प कर कर सकता है, कर सकता है है एक बार रीड मारना और कुछ भी नहीं है इसमें ठीक है इसके बाद क्या है इसके बाद चार्ट अकाउंटेंट इन द इंडस्ट्री चार्ट अकाउंटेंट इन पी इन फ्रेमिंग फिजिकल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ छोड़ना है छोड़ना है हाँ जी बिल्कुल सही मैं आपको बता दू क्यों ये जो आपको क्वेश्चन दे रखे ट्रू फॉल्स के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि क्लास होनी है सेपरेटली जहां पे सारे पूरे सिलेबस का ट्रू फॉल्स होगा यहां पे अगर आप चेक करोगे जो ये जो ये थियोरिटिकल क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं हर चैप्टर के पीछे के जो थ्योरिटिकल क्वेश्चन है उन्हीं पर आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि आप चेक कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में यही से क्वेश्चन उठ के आता है और कुछ नहीं आता और ये सारे के सारे मैंने क्या करें ये सारे के सारे मैंने एक अलग से पीडीएफ में डाल दिए तो आप फटाफट से देखते हैं आज़ा, आज़ा, आज़ा। मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू क्यों दे रहा हूं कि भाई बाय कहीं बीच में से कुछ आ जाए लेकिन 95 मैं बोल सकता हूं कि जो आपके बुक के पीछे के क्वेश्चन है वही आते हैं जैसे पहला क्या है सब ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग फलाना डिंगान सब फील्ड हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। कि भाई आपका अकाउंटिंग हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया अकाउंटिंग सोशल ह्यूमन रिसोर्स वेरी वेरी द यूजर्स कौन होते हैं users? आप बता सकते investor हो 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 गए 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 सब कुछ ठीक है उसके बाद डिस्कस ब्रीफली रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैट्स और लॉ इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग और इनके बीच में क्या क्या रिश्ता होता है यहां लिख रहा है जितना यहाँ पे लिखा है ना उतना पढ़ना बस सर इस पीडीएफ पे जो लिखा है ना पीडीएफ अराउंड 13 से फोर्टीन पेजेस की है बस वही आपको पढ़ के जाना एग्जाम से एक दिन पहले बस ठीक है ऑल राइट सर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अकाउंट्स और ऑफिस में क्या रिश्ता होता है पढ़ लिया स्टैट्स में क्या रिश्ता होता है पढ़ लिया ठीक है उसके बाद लिमिटेशन हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन काफी बार एग्जाम में आ हाँ चुकी है तो लिमिटेशन हम पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं वही कभी यहाँ पे लिखा हुआ है वट सर्विसेज वट सर्विस कैन अ सी ए प्रोवाइड टू द सोसाइटी क्या हमने पढ़ लिया बिल्कुल पढ़ लिया सर ये कुछ सर्विस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना स्टैट ऑडिट इंटरनल ऑडिट टैक्सेशन सर्विस मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल एडवाइस ये सब चीजें यहां पे आपका यूनिट वन खत्म होता है मैंने आपको चैप्टर ऊपर ऊपर से पढ़ाया ठीक है उसके बाद जो मेन फोकस है वो किस पे है सर मेन फोकस आपके इन क्वेश्चन पे हाँ जी बिल्कुल मुझे बता दो बेटा यहां तक कोई दिक्कत है नहीं तो मैं ऐसे ही सारे चैप्टर्स अगले दो घंटे में खत्म करा दूंगा <coughs> हां जी एक घंटा हो गया इसको ओ भाई साहब एवरीबडी हो जाएगा नो no प्रॉब्लम चल सकते हैं आगे इंटरनल बेटा हम ही करते ऑडिट हम ही करेंगे और कौन करेगा hmm. किसी बिजनेस किसी ने अभी अभी. कि स्टडीज कि का पेपर है एनसीआर लिख कराऊंगा तो नंबर मिलेंगे लिमिटेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ सब हेडिंग लिखनी है विधि वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ जैसे यहां पे क्या बोला यहां पे आपको बोला है सर डिस्कस द लिमिटेशन तो इतने ही लिख के आना है सर चार नंबर में इतना ही लिखना है इससे ऊपर लिखना भी नहीं है ये मत लिख लेना कि भाई हाँ, इतना ये नंबर का क्वेश्चन ही आएगा और चार नंबर में इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है बात समझ में आ गई राइट एवरीबडी सुनो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ जी अब यहां पर आपको बोला गया क्या बोला गया कि वर दब फील्ड अकाउंटिंग तो इतना आप पूरा लिख के मत आ जाना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होगा सर ये सब क्या होगा नहीं जी अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास टाइम हुआ तो थोड़ा बहुत डिफाइन कर देना एक एक लाइन में सर इतना आप सुनो मेरी बात ध्यान से डिफाइन अकाउंटिंग आपका एक या दो नंबर का ये है एक या दो नंबर का ये है जी तो अब ये मत सोचना कि भाई ये मेरे को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आना है बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करना है एक एक लाइन मैक्सिमम लिख सकते हो जी मैक्सिमम लिख सकते हो अरे जो बच्चे पीडीएफ पीडीएफ बोल रहे हैं बोल तो दिया पीडीएफ शेयर कर दूंगा हद हो गई पीडीएफ कहां से मिलेगा पीडीएफ कहां से मिलेगा कर दूंगा बेटा मैंने अपने लिए थोड़ी बनाया आप ही के लिए बनाया बात समझ में आ गई ठीक है ऑल राइट सर ऑल राइट तो यहां पे पहली यूनिट खत्म होती है ट right? जितना लिखा हुआ है ट्रस्ट मी आप अपने सजेस्टेड आंसर्स चेक कर सकते हो सजेस्टेड आंसर्स आप देखोगे इससे इस बड़े आंसर आपको कहीं पे नहीं मिलने वाले यहां पे लिखा है सर्विसेज सर्विसेज सर क्या प्रोवाइड करनी है अच्छा तो सर्विसेज में यही है कि भाई क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है बस इतना ही हाँ जी बस इतना ही या इन्होंने ये बोला कि भाई पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो नहीं इतना ही आपको चार नंबर में लिखना होता है जी इतना आपको चार नंबर में लिखना होता है बात समझ आ गई क्या एवरीबडी हाँ जी तो हमारा यूनिट वन यहाँ पे खत्म होता है अच्छा ठीक है अब आते हैं फटाफट फड़ से यूनिट टू पे दो घंटे और रुको पूरा का पूरा खत्म करवा दूंगा <coughs> यूनिट टू हांजी यूनिट टू एवरीबडी यूनिट टू जो है ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इससे काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और क्या क्वेश्चंस आए मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन ये चैप्टर आपने इलेवंथ में कभी पढ़ा होगा अगर पढ़ा होगा तो ठीक है

क्या बोल दिया छे महीने में बंद हो रहा हूं तो वहां पे आप ये एजम्शन मान के नहीं चल सकते कि भाई नहीं ये तो गोइंग कंसर्न ही है नहीं जब वो बोल रहा है कि छह महीने बाद बंद हो रहा हूं तो आपको कुछ अलग से अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई करने होते हैं वहां पे अलग से रूल अप्लाई होते हैं हाँ जी बिल्कुल सही बात है सेकेंड क्या बोलता है दे मस्ट बी सिंपल अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी आप अगर कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना रहे हो कोई भी अकाउंटिंग रूल बना रहे हो इट शुड बी वेरी सिंपल सर आप आराम से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो यूजर्स उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं

फ्यूचर का प्रोडिक्शन होना चाहिए कभी हो पाता है नहीं हो पाता दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर्स आपने अगर कुछ भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए हैं उसको आपको यूजर्स को एक्सप्लेन करना होता है हमने पढ़ा अकाउंटिंग का वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कॉम्युनिकेशन यूजर्स को कम्युनिकेट करना तो आपको यूजर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा हाँ जी बिल्कुल सही बात है अगेन रीड करना है क्वेश्चन इसमें से कभी भी नहीं आया ठीक है क्वेश्चन क्या है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन अच्छा अकाउंटिंग कन्वेंशन एमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस इसका मतलब क्या है कि जैसे आप बैलेंस शीट बना रहे हो ठीक है अब बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड आप क्या लिख रहे हो लाइब्रेट राइट हैंड साइड एसेट सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं अब मुझे बताओ क्या वो फॉर्मेट कहीं पे डिफाइन है नहीं सर सदियों से चलता हुआ आ रहा है तो आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन कि भाई अकाउंटिंग प्रैक्टिस चलती आ रही है तो आ रही है जी ये yes सुनो no? कहीं वो डिफाइन नहीं किया गया किसी लॉ में नहीं लिखा है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड लाइब्रेटी और राइट हैंड साइड एसेट ही लिखना है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं जर्नल एंट्री जो आप बनाते हो जी कि एक अकाउंट आपने लिखा स्पेस दिया फिर डेबिट लिखा नीचे टू लिखा उसको सर वो कोई रूल नहीं है अब तो आजकल बहुत सारे लोग वैसा करते भी नहीं है चलता हुआ आ रहा था तो बस चल रहा था तो अकाउंटिंग कन्वेंशन एमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस ठीक है

और अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है राइट अब इसमें आप आराम से जो मन करे वो लिख सकते हो बस इसी बात पे आपको लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा कि बिजनेस एंटरप्राइजेस इज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर सर ओनर और बिजनेस अलग है हाँ जी बिल्कुल अलग है दोनों को सेम नहीं मानना है तो मतलब ओनर जब भी बिजनेस से कोई ट्रांजेक्शन करेगा सर उसको आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करोगे हाँ जी बिल्कुल से ओनर ने बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया उसको हम ड्रॉइंग्स मानते हैं

सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि मैं जिस जिस भी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग कर रहा हूं मैं सिर्फ उन्हीं अकाउंटिंग कर पाऊंगा जिनको मैं मनी में मेजर कर सकता हूं अगर मैं अगर मैं उन ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर नहीं कर सकता तो भाई मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं ओनली दो ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड सबने पढ़ रखा है सबने पढ़ रखा है कुछ अलग बात नहीं है नहीं राइट right? तो बेशक कितना भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन क्यों ना हो सर आपके डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया जिससे आपका बिजनेस गिर गया कोविड आ गया बिजनेस गिर गया जो भी है

तो जब आपकी फॉरन ट्रांजेक्शन होती है कुछ भी होती है तो यहां पर बोला गया देखो इंडिया में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो किस में होती है आपके आई एनआर में मतलब द रूलिंग करेंसी ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड कॉमन डिनोमिनेशन ऑफ द वैल्यू ये बड़ी सिंपल सी बात बोल रही है नहीं बिलिंग होगा तो भी चलेगा क्या बोल रहा है कि भाई हम मनी की बात तो कर रहे हैं लेकिन मनी का जो डिनोमिनेशन है वो हर कंट्री का अलग होता है हमारा आई एनआर है किसी का यूएसडी हो किसी का यूरो है किसी का क्या है किसी का क्या है सिंपल सी बात है लेकिन मेन अगर आपके पास डिफाइन करने के लिए आएगा आपको किसके अराउंड रिवॉल्व करना है कि मैं सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा जो मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं ठीक है जो मनी में मेजर कर सकते हैं अगर कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है जिसको मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा दो तीन एग्जाम्पल देंगे और बात को खत्म करेंगे चार नंबर बहुत हो जाएंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं आ जाओ फटाफट से सर नेक्स्ट क्या बोलता है नेक्स्ट बोलता है पीओरिसिटी कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्या होता है देखो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस मुझे कब पता चलेगा बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा जब बिजनेस बंद हो जाएगा

कि अकाउंटिंग आपको जो करनी है क्या करनी है हर बारह महीने की करनी है एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी तब नहीं करनी जब बिजनेस बंद हो जाएगा नहीं आपको क्या करनी है हर बारह महीने में करनी है जी हर महीने में करनी है right. सर ये जो इससे क्या होता है कंपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स आप आराम से क्या कर पाते हो अपने अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने प्रीवियस पीरियड से कंपेयर कर पाते हो कि इस साल मैंने किस तरीके से परफॉर्म किया लास्ट ईयर मैंने कैसे परफॉर्म किया था जी अपना बिजनेस किसी और से भी कंपेयर कर पाते हो बिल्कुल सही बात है उंटिंग ट्रीटमेंटेनमेंट ऑफ दया महीने में अकाउंटिंग कर रहे हो प्रैक्टिस अप्लाई करिए वो क्या कंसिस्टेंट है तभी आप उसको क्या कर पाओगे मैचिंग पीरियॉडिक रेवेन्यू विदपेंसिस हम आगे पढ़ेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई जो भी मैंने इस साल में रेवेन्यू जनरेट करा है, जो मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड करा है उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्चे मैंने करे हैं वो मैं रिकॉर्ड करता हूं मतलब मैं यहां पे प्रीपेड पे, पे एक्सपेंस और मेरा इनकम रिसीव एडवांस वो सब रिकॉर्ड नहीं करता हूं नहीं करता हूं इसलिए मेरा उस बारह महीने का ही प्रॉफिट एंड लॉस निकल पाता है ऑल राइट सर अगेन वेरी आसान दो तीन चीजें पढ़नी है लिख के आ जाएंगे हाँ जी लिख के आ जाएंगे इसके बाद है एक्रूवल कॉन्सेप्ट जिसको कौन से भी बोलते है, क्या बोलते हैं हैं क्या सिंपल सी बात है कि मुझे अपनी ट्रांजे को कब रिकॉर्ड करना है, को करना है, जब वो हो रही है. Sir, मुझे तब रिकॉर्ड नहीं करना है, जब मुझे पैसा मिलेगा कैश बेसिस कैश बेसिस पैसा मिलेगा तो रिकॉर्ड करूंगा पैसा पे करूंगा तब रिकॉर्ड करूंगा नहीं एक होता है मर्केंटाइल बेसिस कि जब तो ट्रांजेक्शन हो रही है उसी टाइम पर रिकॉर्ड करो आपने कोई गुड्स परचेज कर लिया आपका खर्चा हो गया रिकॉर्ड कर दो पैसे दिए नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता है आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया सेल हो गई है रिकॉर्ड करो सर पैसे मिले नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता ये हमारा क्या होता है है बिल्कुल सही बात सिंपल सिंपल ऑल राइट ऑल राइट एग्जांपल है एग्जांपल आप आराम से दे देंगे क्या सर कि आपने एक दिन पे क्या करा गुड्स को डिलीवर करा ठीक है पैसे आपको नहीं मिले लेकिन आपने सेल को रिकॉर्ड कर दिया सिंपल कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे दुनिया भर के एग्जाम्पल है रीड करना चाहो तो करना नहीं तो अपना एग्जाम्पल आराम से लिखाना ऑफ रेवेन्यू एंड एंड कॉस्ट एज जब वो रेवेन्यू आपने अर्न जब मैंने आपको पढ़ा दिया एक महीना मैंने आपको पढ़ा दिया तो एक महीने का मेरा रेवेन्यू हो चुका है मैं अर्न कर चुका हूं आपने पैसे दिए नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा अच्छा मैंने एम्प्लॉ से एक महीना काम करवा लिया तो सैलरी का खर्चा हो चुका है मैंने पे करा या नहीं करा उससे फर्क नहीं पड़ता है ओके अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल है छोड़ दो इसको इसके बाद आते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मुझे क्या करना होता है मुझे अपने रेवेन्यू के साथ अपने एक्सपेंसिस को मैच करना होता है अब इसका मतलब क्या देखो ऑल एक्सपेंसिस मैच रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ऑनली इसका मतलब क्या है? <coughs> 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 एक एक hmm. सर इसका मतलब यह है कि आपने पूरे साल में जो भी रेवेन्यू जनरेट करा है, राइट right? उस रेवेन्यू को जनरेट करने के जो भी आपके एक्सपेंसिज हुए हैं वो आपको रिकॉर्ड करने मतलब अगेन मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बोला गया दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मैं ये नहीं देखता हूं कि कैश में ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं हुई है जब वो ट्रांजेक्शन हुई है मुझे तभी रिकॉर्ड करना है एक्चुअली में मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो एकूवल कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट इन दोनों पे बेस्ड है मतलब देखो ध्यान से देखो एक तो आ गया सर हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट में दो चीजें होती हैं राइट right? इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है इसलिए थोड़ा ज़्यादा कर रहा तो जनरेट तो तो करने के लिए आपने जितने भी खर्चे करे हैं, सर वन लाख रुपीज रेवेन्यू अर्न करने के लिए जितने भी खर्चे करें वो आप यहां पर रिकॉर्ड करोगे दूसरा होता है कि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जी जो आप रेवेन्यू के साथ मैच नहीं कर सकते अब एक लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए

वो मुझे देखना है कि मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं बस फर्स्ट अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 से रिलेटेड है या नहीं क्या मैंने उनका बेनिफिट इस करंट ईयर में लिया हाँ तो मुझे रिकॉर्ड करना है बात खत्म देखो देखवाओ सबसे पहले क्या बोला दिस इज बेस्ड ऑन अच्छा उसके बाद इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंस आइडेंटिफाई एवरी इनकम कि भाई वेयर हाउस का रेंट पे करा है तो उससे कोई इनकम जनरेट हो रही क्या सर कैसे मैच करूंगा हाँ मैच नहीं कर पाऊंगा मार्केटिंग का खर्चा किया तो उससे मेरा मैच कर मैं नहीं कर कितना हुआ? तो कुछ एजेंट तो को हायर कर रखा है ठीक है आपने क्या बोला जितनी सेल्स करोगे उसका दस कमीशन तुम्हारा वो तो आप सेल से मैच कर सकते हो जितना सेल करा उसका दस कमीशन खर्चा लेकिन बहुत सारे खर्चे जो मैच नहीं कर सकते देखो क्या बोला इन अदर वर्ड्स हाँ जैसे बट रेंट सैलरीज अब जो आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको आप सैलरी पे कर रहे हो उनको रेवेन्यू के साथ मैच तो नहीं कर सकते जी नहीं कर सकते क्या बोला गया? सर, तो एक concept, अच्छा, और एक आपका concept, सर अगेन एग्जाम्पल है इसको आराम से पढ़ लेना और कुछ भी नहीं है इसके बाद आप फटाफट -फड़ से गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ठीक है सर गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है वही सिंपल कि यहाँ पे आप एक एक्जम्शन लेके चल रहे हो सर ये क्या है, ये है इसका मतलब इसका मतलब जो आप बिजनेस के अकाउंटिंग करने वाले हो, आप एज्यूम करके चलोगे कि ये बिजनेस लंबा चलेगा हाँ ये बिजनेस लंबा चलेगा सर ये अगले साल या दो महीने बाद बंद नहीं होने वाला है आपको नहीं पता है अनडेफिनेट पीरियड के लिए है, ठीक है? Hence, ना तो उनका बिजनेस करने का बंद करने का कोई मन है अच्छा ना कोई उनको बहुत लॉसेज होने कुछ भी नहीं है कोई इंटेंशन नहीं है हाँ जी कोई इंटेंशन नहीं है सिंपल सी बात है right. इसके आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है उनको मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट जो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट है उस पर रिकॉर्ड करता हूं वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी हिस्टोरिकल कॉस्ट कि मैंने अगर मान लो कोई मशीन पांच लाख की परचेज है तो उसको पांच लाख की पर लिखूंगा मैं राइट yes no? right? अब उसकी दो महीने बाद वैल्यू चेंज हो जाती है मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है कम हो जाती है मैं उसको चेंज नहीं करूंगा क्यों क्योंकि मुझे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एक प्रूफ के एक एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड करनी होती है और मेरे पास जो एविडेंस है जो प्रूफ है सर वो कितने का है वो पांच लाख का ही है हाँ जी तो मैं तो पांच लाख पे रिकॉर्ड करूंगा हाँ जी पांच लाख पे रिकॉर्ड करूंगा ठीक है ऑलराइट सर ऑलराइट लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट के बहुत सारे लिमिटेशन है और इसलिए वो आज चेंज भी हो रहा है हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में जिन बच्चों को याद होगा

आपने आईफोन परचेज किया अलग से ठीक है सर आपने परचेज किया फोर्टी थाउजेंड का आपने उसको थोड़ा वो डेप्रिशिएट भी किया लेकिन उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई आज मार्केट में लेकिन आप तो उसी पर रिकॉर्ड कर रहे हो अच्छा इसलिए कह रहे इन एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ऑफ कमोडिटीज गो अप एक्विजिशन कॉस्ट लूजिस इट्स रेलिवेंस जिस वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड किया वो बेकार हो जाती है ठीक है ठीक है ठीक है दी अकाउंट्स विल नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू जी बिल्कुल सही बात है दूसरा मे लूज कंपेरेबिलिटी अब सर ऐसा क्यों बोला गया जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था देखो जी इन्होंने जो एग्जांपल दिया यहाँ पे एग्जांपल एक बार पढ़ लेते हैं कि, example, 1 करे, एक कि मशीन अच्छा है. और हुई का कैश इनफ्लो सर फिफ्टी थाउजेंड का कैश इनफ्लो अभी तक ये मशीन चल रही है <laughs> सर अभी तक चल रही है, अभी तक चल रही है? तो 50, का कैश इनफ्लो अभी भी दे रही है ये? अच्छा ठीक है अब क्या हुआ सर अब हुआ ये कि पांच लाख की मशीन ली है मिस्टर वाई ने अच्छा सर टू थाउजेंड एंड कब ली सर? 2005 में पांच लाख की मशीन ली है ओके सर, ओके सर नो प्रॉब्लम और ये भी पचास हजार रुपए का कैश इनफ्लो दे रही है सर ये भी पचास हजार का कैश इनफ्लो दे रही है अच्छा ठीक है आप क्या बोलोगे आप बोलोगे देखो भाई हां जी मिस्टर एक्स अच्छा अर्न एट द रेट ऑफ फिफ्टी परसेंट सर एक लाख की मशीन ली थी नाइनटीन नाइनटी फाइव में एक लाख पे पचास हजार का कैश इनफ्लो हो रहा है आज इसने पांच लाख की लिए आज फिफ्टी थाउजेंड हो रहा है आप क्या बोलोगे आप बोलोगे भाई ये तो बहुत बढ़िया है अरे लेकिन बढ़िया नहीं है आप कंपेयर नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो मशीन नाइनटीन में परचेस करी है आज अगर आप परचेस करते दो में तो ये इतनी की आ रही है <coughs> इसका मतलब क्या है इसका मतलब जब आप अपने बिजनेस को किसी और के साथ कंपेयर करते हो आप नहीं कर सकते <coughs> क्यों सर क्योंकि एसेट जो उन्होंने परचेस करे वो बहुत अलग अलग वैल्यू पे करे इन्फ्लेशन को तो हम दिखाते नहीं है आपने अगर कोई एसेट परचेज करा हाँ जी दो साल पहले एक लाख रुपए का आज वो एसेट सर दो लाख का मिल रहा है तो उनको दो लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे <coughs> अब बात समझ रहे हो तो इसलिए बोला हांजी कह मोर हुए आपको लगेगा कि ये अफिशियंट है लेकिन आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते ठीक है इसके बाद मैनी एसेट्स डू नॉट है आप कह रहे हो कि मैं अपने एसेट्स को एक्विजिशन कॉस्ट पर रिकॉर्ड करूंगा सर ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन एसेट्स इसकी एक्विजिशन कॉस्ट होती है कैसा नहीं होती है इसलिए आप इसको क्या कर पाते हो ह्यूमन एसेट्स को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते बात समझ लो अच्छा ठीक है है इसके बाद रियलाइजेशन पातेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सिंपल सी बात बोलता है देखो ने क्या बोला सर एक कॉन्सेप्ट ने बोला कि मैं अपने मैं अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करूंगा वेन दे अकर बस उसने इतनी बात बोली उसने पूरे के सारे सारे ट्रांजेक्शन की बात बोली है उसने सारे ट्रांजेक्शन के लिए बोला कि भाई जब भी वो होंगे दे अकर उसको रिकॉर्ड करो ऑफ कैश जो रियलाइजेशन है अच्छा वो स्पेसिफिकली बात करता है मेनली मेनली रेवेन्यू के लिए आपके बुक में जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत खराब है ठीक है सर किसके लिए रेवेन्यू के लिए अच्छा क्या कि रेवेन्यू को आपको कब रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो रियलाइज हुआ है सर रियलाइज का मतलब क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गुड्स की बात करता हूं किसकी बात करता हूं गुड्स जब आपने कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दिए हां जी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी सर ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तब आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू को थोड़ा डीप में लेकर जाता है और कुछ नहीं करता ठीक है ऑल राइट सर जब मैं सर्विसेज की बात करता हूं तो इसका मतलब आपने सर्विसेज रेंडर कर दिया मतलब डिलीवर कर दिए राइट आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है

ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि एसेट इज़ इक्वल्स टू इक्वेश प्लस कैपिटल बस उसी को इन्होंने एक्सप्लेन करा और कुछ भी नहीं इसको इन्होंने क्या करा इसको इक्विटी कर का मतलब कैपिटल है प्लस लाइब्रिटी इज इक्वल टू एसेट अच्छा अब इन्होंने क्या बोला कि भाई इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइब्रेटी ये भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लाइब्रिटीटी को इन्होंने क्या बोल दिया लॉन्ग टर्म और करंट लाइब्रिटी नॉन करंट करंट कोई दिक्कत नहीं है एसेट को फिक्स एसेट करंट एसेट तो पूरा का पूरा ने क्या किया? पूरा, पूरा एक्सपैंड कर दिया और कुछ भी नहीं किया ठीक है इसके बाद बात करते हैं सर किसकी कंजर्वेटिज्म की प्रूडेंट कॉन्सेप्ट को पता मतलब है? है, है उनको रिकॉर्ड नहीं करना है एक्सपेंसिस right? को रिकॉर्ड करना है. क्या बोला अकाउंटेंट शुड नॉट एंटीसिपेट एनी फ्यूचर इनकम आपको लग रहा है एंटीसिपेशन है सर अभी हुआ नहीं है रियलाइजेशन हाँ. कॉन्सेप्ट किस पे लग रहा है सर रेवेन्यू पे इनकम पे

ट्रू फॉल्स में पर आ चुका क्या सर कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से होता क्या है अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड वेल्थ सर ऐसा क्यों क्योंकि आप अपने इनकम को कम दिखा रहे हो ना जो खर्चे अभी हुए नहीं है लेकिन होने वाले हैं अच्छा सर एंटीसिपेट कर रहे हो एक्सपेक्टेड है जो लॉस अभी होने वाला है उसको आप पहले रिकॉर्ड करते हो तो आपकी इनकम हमेशा क्या होती है अंडर स्टेट होती है बिल्कुल सही ये सर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि देखो जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप अडोप्ट कर रहे हो वो आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है फ्रॉम ईयर टू ईयर तभी आप उसको कंपेयर कर पाओगे सर देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज आगे चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी का आर फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेड ओनली इन सर्टेन एक्सेप्शन अब अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कुछ नहीं होता अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब आपके सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं उसमें से एक मेथड को चूज करना जैसे डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं

बात तो सही हाँ जी बात तो सही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चेंज कर ही नहीं सकता कभी देखो क्या बोला बट द ऑफ कंसिस्टेंसी डज नॉट इंप्लाई नॉन फ्लेक्सिबिलिटी इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को कभी चेंज नहीं कर सकते एक बार आपने चूज कर कर लिया तो कर लिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते ऐसा है क्या सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राइट सर चेंज कर सकते हो लेकिन कुछ ही है सबसे पहला क्या है सबसे पहला अगर 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 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसीलिए बनाए गए हैं इस मशीन पे ही लगाना है। ये होता है, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ तो इंडिया रिलीज करते हैं अच्छा ये बात है हाँ जी बिल्कुल सही कि भाई उन्होंने बोल दिया कि भाई यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो अकाउंटिंग पॉलिसी में थोड़ा सा क्या करो आप यूनिफॉर्मिटी लेकर आओ तो बोला सुनो इन्वेंट्री में लीफो नहीं लगाना हाँ सिर्फ क्या लगाओ फीफो ओहत समझ रहे हो तो ये क्या हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो मान लो आप पहले क्या कर रहे थे आप पहले लीफो लगा रहे थे लेकिन अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला कि नहीं लीफो लगाओ और सर फीफो लगाओ तो आपको चेंज करना पड़ेगा हाँ तो उस केस में आप चेंज कर सकते हो तो मतलब मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोल दिया चेंज करने को तो चेंज कर लेना सर किसी लॉ ने बोल दिया कंपनी सर दो हजार में कुछ आ गया आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है तो कर सकते हो ऑल सर लॉ बोल रहे हो तो कर सकते हो और उसके बाद अगर आपको लगता है इट इज फेल्ड क्ट मोर एंड ट्रू पिक्चर आपको लगता है खुद से आपको लग रहा है कि ये अगर मैं पॉलिसी चेंज करूंगा तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करेगी तो आप कर सकते हो होके okay, तो तीन circumstances आपको ये याद होने चाहिए सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला लॉ ने बोला और ये बेटर पिक्चर शो करने वाले हो ठीक है मेटीरियलिटी सर देखो दो होते हैं एक होता है आपका फुल डिस्कलोजर प्रिंसिपल एक क्या होता है फुल डिस्कलोजर प्रिंसिपल एक होता है मेटीरियल प्रिंसिपल अब दोनों में फर्क क्या होता है फुल डिस्लोजर क्या कहता है कि यार जो भी आपकी accounting information है उसको फुल्ली डिस्कलोज करो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है disclose करो अच्छा that is full disclosure. कि आपको पूरा डिस्कलोज करना है कोई केस चल रहा है disclose करो कुछ होने वाला है उसको डिस्कलोज करो जो भी है सबको डिस्कलोज करो लेकिन मेटीरियटी क्या बोलता है कि नहीं सबको डिस्कलोज करने की जरूरत नहीं है हुँ. सिर्फ वही चीजें डिस्कलोज करो जिसका आपके यूजर्स पे Users कौन है जिनको डिसीजन लेना है हाँ. Users के decision को impact कर सकते है। जो information, उसको आप करो, दोबारा बोल बोल रहा रहा देखो क्या है? है सर, सर, ये एक बाकी प्रिंसिपल के लिए कि आपको सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है वही दिखाओ जो सिग्निफिकेंट है क्या बोला अकॉर्डिंग टू मेटीरियल प्रिंसिपल ऑल आइटम्स है कि for example, for example, अगर मैंने एक कैलकुलेटर किया है पांच साल चलाऊंगा तो तो भाई आप तो क्या बोल रहे हो कि नहीं ये आपका fix है नहीं क्या ये मेरे बिजनेस के लिए मेटीरियल है नहीं है अब हर बिजनेस के लिए मेटीरियल जो है वो सब्जेक्टिव है सर बड़े बिजनेस के लिए मेटीरियल अलग होगा छोटे बिजनेस के लिए अलग होगा सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिव वर्ड है छोटा बिजनेस है तो उसके लिए कैलकुलेटर हो सकता है कि डिस्क्लोज करना पड़े मेरे लिए ना डिस्क्लोज करना है हाँ जी बिल्कुल सही मैंने कोई खर्चा किया मुझे उसको अलग से नहीं दिखाना है मैंने मिसलेनियस एक्सपेंसिस में डाल दिया मेटीरियल नहीं था ओके बात समझ रहा हूँ राइट right. <coughs> तो कह रहे देखो मेटीरियल डी डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द आई अमाउंट ऑफ आइटम सिर्फ पाँच सौ रुपए का कैलकुलेटर है इस पर डिपेंड नहीं करता डिपेंड करता है आपके साइज ऑफ बिजनेस पे बिल्कुल सही बिजनेस बहुत बड़ा है तो ये मेटीरियल नहीं है

अगर किसी बिजनेस ने इन तीन अकाउंटिंग एजेंशन के बारे में कहीं पे भी लिखा नहीं है तो आप हमेशा मान के चलते हो कि भाई ये तीनों तो फॉलो ही होंगे। बेशक वो लिखे या ना लिखे। तो बीन फॉलोड प्रिपरेशन अगर इन तीनों में से आप कुछ भी करते हो कि बंद होने वाला है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्या बोला? कि आपके तीन है

कि भाई जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो इस तरीके से प्रिपेयर करो कि सामने वाला बंदा आसानी से समझ जाए इट शुड बी रेडिली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स अब यहां पे हम करके चलेंगे कि सामने वाले को थोड़ी बहुत तो अकाउंटिंग की नॉलेज है राइट right? ये तो मान के चलेंगे फॉर दिस दिसज इट इज एज्यूम दैट यूजर्स हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल सही लेकिन आपको प्रेजेंट इस तरीके से करनी है इतनी सिंपलीफाइड तरीके से प्रेजेंट करनी है कि सामने वाला समझ जाए हां जी, सामने वाला, समझ जाए ठीक है जैसे आप क्या कर रहे हो आप दो साल की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो इसीलिए ताकि सामने वाले बंदे को आसानी हो कि हाँ भाई लास्ट ईयर ये था करंट ईयर में ये है रेलिवेंस सर इसका मतलब क्या होता है मेटीरियलिटी इसका मतलब क्या है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है जो किसी यूजर के लिए रेलिवेंट हो सकती है सर किसी यूजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है डिस्क्लोज करनी है इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ द यूजर्स

सर जब वो बिल्कुल क्या है उसमें आपने कोई भी बायसनेस नहीं डाली है जी हांजी yes यसनो no. सर वो र, आपका सोर्स uh, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे है कोई एविडेंस है कुछ प्रूफ है यस सर तो क्या बोला टू बी यूजफुल इंफॉर्मेशन मस्ट ऑल्सो भी रिलायबल और वो रिलायबल कब होगी इट इज फ्री फ्रॉम मेटीरियल आपने उसमें कोई गलतियां नहीं करी है करेक्ट सर इट इज फ्री फ्रॉम बायस हाँ फेथफुली आपने बिल्कुल ऑनेस्टी से बनाई है कोई मेन्यूपलेन आपने नहीं करी है जी बिल्कुल सही बात है तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए हां जी बिल्कुल सही अच्छा कंपेरेबिलिटी जैसे मैंने बोला कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हो दो साल पर बनाते ताकि यूजर उसको कंपेयर कंपेयर कर सके यूजर्स मस्ट बी एबल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जी ताकि वो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सके कि बिजनेस ऊपर जा रहा है या बिजनेस आपका नीचे आ रहा है ऑल राइट नो प्रॉब्लम ओके तो उसके बाद क्या बोलता है एन इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स इज दैट यूजर्स बी कैरेक्टरिटी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज एम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स

अगर लास्ट ईयर आपने एक पर्टिकुलर मेथड चूज किया था तो इस ईयर भी वही मेथड चूज करोगे तभी आप प्रॉपरली कंपेयर कर पाओगे लेकिन अगर आप उस अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए हाँ जी करना चाहिए ऑल राइट right. अब देखो ध्यान से द फोर प्रिंसिपल क्वालिटेटिव प्रिंसिपलिटेटिव मतलब जो मेन है वो हमारी ये चार ही है अंडरस्टैंडेबिलिटी रेलिवेंस रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी जो इसके बाद आप पढ़ने वाले हो वो तो ठीक है मेन हमारा फोकस किस पे है मेन फोकस हमारा इन चार पे हाँ जी राइट जो मैंने हाई लिया है इतना ही आपको पढ़ना है मेटीरियलिटी हमने ऊपर पढ़ा भी कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हो दैट शुड बी जी अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा प्रोवाइड कर रहे हो ये yes, सर वो बायस नहीं चाहिए. Hmm. Sir, events, yes, right? होनी चाहिए ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स यस सर राइट रिलेवेंट होनी चाहिए रिलायबल होनी चाहिए वही सब चीजें यहां पे है सब्सटेंस ओवर फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या बताया था मैंने द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट विद विच इट इज अपेड फ्रॉम लीगल और कि अगर आपने कोई मशीन परचेज कर ली है कोई बिल्डिंग परचेस कर ली है मान लो आपने बिल्डिंग परचेस कर ली ठीक है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है है ना कोर्ट में जाके कुछ करना होता है लेकिन वो बिल्डिंग आपने पैसे वैसे दे दिए सब कुछ कर दिया लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ कुछ प्रॉब्लम आ गई है बंद है कोर्ट कुछ भी है बिल्डिंग आपकी हो चुकी है बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो लेकिन क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ आपके नाम पे नहीं आई फॉर एग्जांपल तो आप बिल्डिंग रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो कई बार हम क्या करते हैं हम देखते हैं उसके ऊपर सब्सटेंस क्या है तो क्या रियलिटी क्या है क्या बिल्डिंग आपकी हो चुकी है आप यूज कर रहे हो हंजी, सही. आपका राइट right है हंजी, आपका राइट right है पैसे दे दिए हाँ दे दिए तो रिकॉर्ड कर लो तो वही बात बोलता है ठीक है कि कई बार हमको क्या करना होता है जो हमारा टेक्निकलिटी है जो लीगल है उससे ऊपर उठना पड़ेगा ठीक है न्यूट्रलिटी वही कि बायस नहीं होना है प्रूडेंस हम पढ़ चुके हैं ठीक है फुल फेयर एडिक्वेट डिस्कलोजर फुल डिस्कलोजर जैसे मैंने बोला

सिंपल सी बात है कि आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हर पीरियड में हर बारह महीने में प्रिपेयर करनी है अकाउंटिंग प्रैक्टिस एमर्ज होती है देखो, बिल्कुल सही, time, yes, तो मतलब जितना लिखा हुआ है उतना पढ़ेंगे यस सर यस मुझे बता दो बेटा आपको सारे कॉन्सेप्ट के मतलब तो समझ में आ गए सर मीनिंग समझ में आ गए तो आराम से लिख सकते हैं आराम से लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ने बैठे पहली बात तो जरूरत नहीं है बिल्कुल भी नहीं है राइट और बेकार में परेशान हो जाऊंगी और कुछ नहीं राइट देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन अगेन सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है क्या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या पढ़कर आए हांजी पढ़कर आए अब यहां पे आपको डिस्टिंग्विश करना है मतलब डिफरेंस निकालना है सर क्या करना है डिफरेंस निकालना है हाँ जी डिफरेंस निकालना है तो मुझे एक बात बताओ सर दो यहां पर दे रखे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा पेज भर देना है सर मनी मेजरमेंट हम पढ़कर गए हाँ जी उसको आपने डिफाइन कर दिया ठीक है मैचिंग कौन हम कॉन्सेप्टिफाइन कर दिया बात खत्म हो गई जी बात खत्म हो गई फिर बोलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़कर गए गोइंग कंसर्न क्या आपके दिमाग में आ रहा है हां जी बिल्कुल दिमाग में आ रहा है सर गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हो गया गोइंग कंसर्न का मतलब हो गया कि भाई ये ज्यूम कर रहा हूँ कि बिजनेस चलता रहेगा बंद करने की इंटेंशन नहीं है हाँ इंटेंशन नहीं है बस ठीक है सिंपल उसके बाद है कॉस्ट कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है एक्विजिशन कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है जिस कॉस्ट पे आपने एसेट को एक्वायर करा है उस पर रिकॉर्ड करना है बात खत्म ठीक है इसके बाद है अगेन ब्रीफली सर वो खुद बोल रहा है आपको कह रहे ब्रीफली एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सर सारे नहीं करने सिर्फ चार ही करने अगर आपके पास ये आ जाएगा तो क्या बोलेगा आपको कि ब्रीफली एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही चार करने हैं जो कौन से हैं सर प्रिंसिपल है क्या बोला इसने सर इसनेडरस्टैंडेबिलिटी रेलिवेंस रिलायबिलिटी इसके बारे में एक एक लाइन आपको लिखनी है और कुछ नहीं करना सर सिर्फ एक एक लाइन यहां पे लिख के आ जाना और कुछ नहीं करना हाँ जी बिल्कुल चाहो तो इनके नाम लिख देना लेकिन एक्सप्लेन मत करना पहले बता रहा हूं और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ऑल राइट right, बस खत्म हो गया आपके बुक के पीछे बेटा यही क्वेश्चन है रुक 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 जाओ रुक जाओ जाओ रुक जाओ कहां गई आपकी बुक अच्छा बुक तो मेरे पास ये है एक सेकेंड रुको ट्रू फॉल्स मैं आपको करवा दूंगा और आपके जो क्वेश्चन आते हैं कहां गए क्वेश्चन वेयर आर दी बैक क्वेश्चन ये देखो सर यही है हाँ जी यही है यही तीन क्वेश्चन है इन्हीं तीन पे आपको फोकस करना है अरे मेटीरियलिटी का कुछ नहीं है बेटा कि जो इंफॉर्मेशन यूजर्स की डिसीजन को इंपैक्ट करती है वो मेटीरियल क्या सर मेटीरियल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन छोटी मोटी ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज नहीं करना है मैं अपने बैलेंस शीट में पांच रुपए का कैलकुलेटर डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूं जी इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूंगा मैं क्योंकि ये मेरे बैलेंस शीट के लिए मेटीरियल नहीं है चाय पानी का खर्चा मेरे 500 करोड़ के बिजनेस के लिए मेटीरियल नहीं है हाँ बात खत्म सर सिंपल सी बात है हाँ जी बहुत सिंपल सी बात है अब बात समझ लो एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ जल्दी बोलो जल्दी निश्चित चार या मैक्सिमम पांच मार्क का क्वेश्चन आता है उससे ऊपर नहीं आता और उसमें पार्ट्स होते हैं मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा टेंशन मत लो आप एवरीबडी क्लियर है हाँ जी <coughs> आगे चले सर इसके बाद हमारी क्या आती है अब सुन लो ध्यान से अरे इधर सुन लो इधर सुन लो यस सर इसके बाद जो हमारी यूनिट थ्री है सर यूनिट थ्री में क्या है यूनिट थ्री है सर यूनिट थ्री में क्या है यूनिट थ्री में आपका अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी वो मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूं आपको पढ़ने भी नहीं है ठीक है सर अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी हां जी उसको छोड़ देंगे यूनिट फोर में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं अगर आपको पता हो सुन लो ध्यान से सर यूनिट Four, मैं आपको करवा चुका हूँ ना इधर देखो इधर देखो अब जो बच्चे यहां पे आज नए आए है, हाँ हैं है ना मुझे कुछ नए बच्चे सुन लो ध्यान से सर हाँ, वाला हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसका मैं सेपरेट क्लास ले चुका हूं जिन बच्चों को पता है उनको पता है सर कैपिटल रेवेन्यू हां जी और रिसीट्स उसकी सेपरेट क्लास हो चुकी है अब आते हैं यूनिट नंबर फाइव पे यूनिट फाइव से काफी बार सेम क्वेश्चन आ चुका है काफी बार जी बिल्कुल से बात है आएंगे जल्दी से यूनिट नंबर फाइव पे जी बिल्कुल से आ जाओ दो ही क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जी दो ही क्वेश्चन बनते हैं छोटा सा चार पेज का चैप्टर है फटाफट से सुन लो चैट ऑफ करेंगे हाँ चैट ऑफ करेंगे फोकस ना हाँ यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझने वाली है तो सुन लो ध्यान से कॉन्टिजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजन लाइब्रेरीज ये आपका चैप्टर है हाँ जी चैप्टर है कि आपका कॉन्टिजेंट एसेट क्या होता है और कॉन्टिंजेंट लाइब्रेरी क्या होता है इंपॉर्टेंट है ठीक है सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कॉन्टिजेंट एसेट की पहले एग्जाम्पल सुन लो ठीक है मान लेते हैं मान लेते हैं क्या हुआ कि लेट से हुआ ये है सर कि मैंने अपनी एक बुक निकाली है रिलीज करी है ओके अब हुआ ये कि मुझे पता चला कि सेम की सेम डिट्टो बुक किसी ने कॉपी पेस्ट करके रिलीज कर दी तो मैंने क्या करा मैंने उस कंपनी पे केस कर दिया कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो तुम हाँ ये तो गलत है फलानी कॉपी राइट वो सब चीजें अच्छा ठीक है अब केस चल रहा है हाँ जी केस चल रहा है अब अगर मैं केस जीत गया तो मुझे पैसे मिलेंगे केस हार गया तो कुछ नहीं होगा सर केस जीत गया तो पैसे मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे इसका मतलब क्या वो मेरा एसेट हो सकता है हो सकता है एनी अमाउंट विच इज रिसीवेबल इज एसेट करेक्ट लेकिन क्या ये पक्की बातें मिल जाएंगे नहीं प्रोबेबिलिटी है हा पॉसिबिलिटी है यस तो क्या मैं उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा देखो ध्यान से अ एसेट मे बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल पॉसिबल एसेट जी राइट दैट फ्रॉम पास्ट इवेंट क्योंकि उसने क्या किया मेरी बुक कॉपी कर ली ओके okay. ये पास्ट इवेंट है अच्छा एंड एग्जिस्टेंस एसेट एग्जिस्टेंस में आएगा या नहीं आएगा सर ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है कि क्या वो केस में जीतता हूं या वो केस में नहीं जीतता हूं

कि कॉन्टिंजेंट एसेट को मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाता कब हुँ। हुँ। तो यहां पे दो चीजें होती हैं दोस्तों क्या होती है दो चीजें एक होता है डिस्कलोजर एक क्या होता है disclosure. अच्छा और एक होता है रेकोग्निशन सर एक डिस्कलोजर होता है और एक रेकग्निशन होता है अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस ये है रेकोगेशन का मतलब है कि आप उसको एक्चुअली में एंट्री पास कर रहे हो

क्या डिस्क्लोज करता हूं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करता मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करता हां जी नहीं करता क्यों नहीं करता हूं एसेट है सर अपने बैलेंस शीट में अपने notes में कॉन्टेंजेंट एसेट नहीं दिखाऊंगा तो सर दिखाऊंगा कहां पर मैं उसको दिखाता हूं डायरेक्टर की रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती इसमें करते हैं रिकॉग्निशन में गलती नहीं करेंगे क्योंकि पता है कॉन्टेंजेंट रिकॉर्ड नहीं होता लेकिन डिस्क्लोजर में गलती करते हैं देखो

और ना ही रिकग्नाइज होता है हाँ जी बिल्कुल सही बात है बात समझ में आ गई हाँ जी ठीक है right, right, कॉन्टिजेंट लाइब्रेटी का मतलब क्या है सब बच्चों को थोड़ा बहुत तो पता ही है थोड़ा बहुत मतलब सर ऐसी लाइब्रेटी जो अगेन किसी अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम पर डिपेंड करती है हो सकता है किसी ने मुझ पे केस कर दिया अब मान लो किसी ने मुझ पे केस कर दिया हां जी तो मुझे पैसे देने पड़ भी सकते हैं और नहीं भी पड़ सकते मैं केस जीत गया तो मुझे पैसे नहीं देने और मैं केस हार गया तो मुझे पैसे देने हैं तो इसका मतलब अभी अनसर्टेन है उससे मैंने क्या बोला कॉन्टीनजी लेकिन उसके साथ साथ यहां पे एक चीज और है ध्यान से देखेंगे कह रहा पॉसिबल ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन मतलब अगर आपको पेबल हो सकता है अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेज फ्रॉम पास इवेंट्स आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है सर कुछ गड़बड़ी कर दी हाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा एक प्रोडक्ट बनाया ओके okay. ये क्या करता है सर ये बेसिकली क्या करेगा आपको पतला करेगा <laughs> अरे आजकल बेटा मोटा होता जा रहा हूं मैं ओके okay. सर ये मैंने बनाया हाँ कि आपको क्या करेगा आप इसको पियो हम्म और आप पतले हो जाओगे वाह सर बेसिकली पतला क्यों लिखना है वेट लॉस कराएगा आपका वाह सर वाह मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया वेरी नाइस वेरी नाइस हाँ जी बिल्कुल सही वेट लॉस कराएगा अच्छा ठीक है अब मान लो मान लो मान लो क्या हो गया सर एक महीने बाद एक कस्टमर को क्या हुआ एक कस्टमर का वेट लॉस नहीं हुआ है उसका वेट गेन हो गया और सर क्या हो 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 गया 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 वेट वेट गेन गेन जी उसने कोर्ट में केस कर दिया कंज्यूमर कोर्ट में मान लो अच्छा कि भाई ये कंपनी क्या है मैं तो इसको पीके और मोटर तो जा रहा हूं अच्छा अब क्या केस चल रहा है अब वो मैं केस जीत भी सकता हूं हाँ क्या पता उसने बर्गर पिज्जा खाया हो बेटा तभी वो मोटा हो गया अरे हो सकता है ना ऐसा जी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है राइट तो केस जीत भी सकता हूँ हार भी सकता हूँ यस तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या बोला सबसे पहला क्या बोला अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन राइजेस फ्रॉम पास इवेंट हाँ कि मैंने उसको वो क्या बेचा था सर, वो कुछ बेचा सही ठीक है? केस केस है, है सर ये डेफिनेशन तो समझ में आती है लेकिन इसके बाद जो बी पार्ट है ना इसमें दिक्कत होती है सर यहां पर लिखा है प्रेजेंट ऑब्लीगेशन है हाँ. मतलब ऑब्लिगेशन आ गई है हांजी सर अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो फिर ये लाइबिलिटी क्यों नहीं है बस वही हमें पढ़ना है अब सुनो ध्यान से पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये है। ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है है तो किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड कर रही है। लेकिन एक डेफिनेशन का पार्ट होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अच्छा दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट लेकिन आपने उसको रिकग्नाइज नहीं किया क्यों नहीं करा सर आप देखो ध्यान से मेरी बात सुने। अब सुनो ध्यान से सर इसने केस किया हा और मुझे पता चला सर मेरे जो रिसर्च टीम थी उसने बताया कि मुझसे बेटा एक मिस्टेक हो गई है ओ हो मैंने गलती से इस प्रोडक्ट में ऐसे केमिकल्स डाल दिए हैं जिससे वेट पुट ऑन होता है मतलब वेट इंक्रीज होता है डिक्रीज नहीं होता है और मतलब मेरे को पता चल गया है कि मैं केस हारने वाला हूं आई नो कि मैं केस हारने वाला हूं हाँ मैं केस हारने वाला हूं अच्छा लेकिन लेकिन अब सुन लो मेरी बात ध्यान से हम्म मुझे पता है केस हारने वाला हूं मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आपकी ऑब्लिगेशन आ गई है आपको पता चल गया है अब वो अनसर्टेन नहीं है नहीं अनसर्टेन नहीं है लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि मैंने कितना पे करना है सर मैंने अमाउंट कितना पे करना है मैं उसका रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं मतलब मतलब कितने प्रोडक्ट बिक गए कितने लोगों की कंप्लेन आएगी कितने लोग कंप्लेन करेंगे हां जी किनको दिक्कत हुई है किनको दिक्कत नहीं हुई है किनका वेट इंक्रीज हुआ नहीं हुआ पिया उन्होंने नहीं पिया तो वो मैं एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं मतलब रिलायबल एस्टिमेट मेरे पास नहीं है इसीलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हां जी बिल्कुल सही बात है दोबारा से सुन लो हां जी पहला मेरा क्या था पहला था किसी ने केस करा अब वो केस जीत गया मैं तो कुछ नहीं कहूंगा हार गया तो पेमेंट करनी पड़ेगी अच्छा ठीक है तो अभी अनसर्टिन है तो कॉन्टिजन लाइब्रिटी वो कोई दिक्कत नहीं है इट्स अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन पॉसिबल है, हाँ है नहीं भी आ सकती और दूसरा तो क्या है मतलब आपको पे कि आप कितना करना पड़ेगा उसका कोई भी रिलायबल एस्टीमेट है ही नहीं ऐसा कभी दुनिया में पहले हुआ ही नहीं है कोई एस्टीमेट ही नहीं है इसलिए आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो अच्छा ये बात समझ में आती है अच्छा ठीक है अब दूसरी बात ध्यान से मेरी बात सुनेंगे

मतलब कोई भी आइडिया ही नहीं है कितना पेमेंट करना पड़ेगा ओके okay. अब सुनो मेरी बात ध्यान से यस सर एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा सर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे हाँ जी एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे ओके 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 एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल ये है कि हाँ हुआ ये है सर कि मेरी एक फैक्ट्री है ठीक है इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल मुझे थोड़ा अलग सा लेना पड़ेगा एक फैक्ट्री है हाँ जी एक फैक्ट्री है ओके okay, सर ओके okay. और इस फैक्ट्री से निकलता है बेटा बहुत सारा धुआं बहुत सारा क्या सर वेस्ट पॉल्यूशन आप क्या कर रहे हो ये आपने सारा वेस्ट जनरेट कर रखा है अच्छा ठीक है सर नो no प्रॉब्लम क्या कर रखा है वेस्ट जनरेट कर रखा है अब क्या हुआ आसपास वाली रेसिडेंशियल कॉलोनीज ने सर रेसिडेंशियल हाउसेज ने कंप्लेन कर दी कि भाई इस फैक्ट्री को बंद कराओ इस फैक्ट्री को बंद कराओ हाँ ये बहुत कूड़ा मचा रहे हैं सफाई नहीं करते कुछ नहीं करते अब हुआ क्या सुन लो ध्यान से आपको पता है कि आपकी गलती है मतलब आपको पता है कि अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आने वाली है सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है हाँ इसका मतलब लाइब्रेटी आने वाली है हाँ जी आने वाली आपको पता है कुछ अनसर्टेन नहीं है आपको पता है आपकी गलती है लेकिन आप मान लो केस हार गए कुछ भी हुआ आपको क्या बोला गया आपकी कंपनी बंद नहीं हो रही है आपने किसी को पैसे पे नहीं करने हैं सर कोई कोई भी आउटफ्लो नहीं आने वाला कोर्ट ने क्या बोला है कोई आउटफ्लो नहीं है बस आपको क्या करना है सर आपको अपना वेस्ट क्लीन करना है ओ साफ सफाई करानी है क्या बोला गया कि किसी को क्लेम नहीं देना है किसी को पैसे नहीं देने हैं सर आपको बस क्या करना है साफ सफाई करानी है हाँ जी साफ सफाई करानी है आप क्या बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास बहुत वर्कर्स है? हाँ। हैं हैं खाली बैठे रहते बेकार की सैलरी पे करता हूं मैं उनको उनसे मैं साफ करवा लूंगा अब सुनो मेरी बात ध्यान से लाइबिलिटी है लेकिन आउटफ्लो थोड़ी है केस हार गए जी हार गए ऑब्लिगेशन है लेकिन आउटफ्लो थोड़ी है किसी को पैसा दे रहा हूं क्या मैं नहीं दे रहा काम करवाना करवा लूंगा बस तो क्या कोई लाइब्रेरी है नहीं कॉन्टेंशन लाइब्रेरी देखो ध्यान से मेरी बात आ जाओ क्या बोला गया कह <laughs> रहे माना कोई मैं केस हार जाऊंगा ठीक है लेकिन यह बिल्कुल प्रोबेबल नहीं है कि मुझे किसी को पैसा देना पड़ेगा भाई गंदगी मचाई है साफ कर लूंगा बात खत्म इट इज नॉट प्रोबेबल दैट द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जी विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल ऑब्लिगेशन मुझे किसी को पैसा भाई मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया क्या कोई मर गया नहीं hmm. किसी की डेथ हुई है क्या उसको क्लेम देना है नहीं नहीं कोई इंजर्ड हो गया नहीं। अब बात समझ रहे साफ सफाई करवानी है तो किसी को पैसा नहीं देना है अपने वर्कर से करवा दूंगा तो इसका मतलब कॉन्टीनजन लाइब्रिटी है ओके okay, अब सुन लो जो सेकंड पार्ट है ना इसी में दिक्कत होती है दोबारा रिपीट कर रहा हूं सबसे पहला सबसे पहला पार्ट जो ए पार्ट है वो बहुत आसान है इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स सिंपल राइट जिसका एग्जिस्टेंस कंफर्म होगा कि भाई वो केस हार रहे हो जीत रहे हो अक्रेंस नॉन अक्रेंस अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है ठीक है दूसरा कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन कोई रिलायबल एस्टिमेट नहीं है या फिर कोई आउटफ्लो नहीं है हमने क्या बोला कॉन्टिंजेंट लाइब्रेटी अब कॉन्टिंजेंट लाइब्रेटी को हम अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते नहीं रिकॉर्ड करते लेकिन डिस्कलोज करते हैं सर डिस्क्लोज इन द नोट टू अकाउंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट में हम क्या करेंगे disclose करेंगे disclose करेंगे All right. तो इसका मतलब एसेट को मुझे क्या करना है कॉन्टिंजेंट एसेट को मुझे डिस्कलोज भी नहीं करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहा डिस्कलोज करना है डायरेक्टर की रिपोर्ट में अच्छा राइट right? लेकिन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को सर रिकॉर्ड तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक मेरी लाइब्रेटी होगी नहीं तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा अच्छा ठीक है राइट सर मुझे उसको डिस्क्लोज करना है हाँ, करना है? इतनी बात आपको पता होनी चाहिए सर अब सबसे सबसे बड़ी दिक्कत डिफरेंसेस पहले डिफरेंस क्या है कि contingent लायगिलिटी और लाइब्रेटी में क्या डिफरेंस है तो ये तो आसान है सर लाइब्रेटी का मतलब होता है कि जब आपको पता है कि आपने पेमेंट करनी है अमाउंट पेबल है हाँ जी कुछ अनसर्टेन नहीं है ये सर कुछ कोई दिक्कत नहीं है आपको पता है आपने कितना पैसा देना है बात खत्म तो डिफाइंड एज दी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपकी क्या है सर आपके पास वगैरह सब कुछ है आपने कितना पेमेंट करना which arises from past events. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि uncertain है प्रोबेबल है पॉसिबिलिटी नहीं आपने पेमेंट करनी है आपने पेमेंट करनी है लेकिन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी केस में या तो आउटफ्लो नहीं है जी क्या बोला आउटफ्लो ऑफ वो कूड़े वाले केस में हाँ जी ये सुनो कि आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी या फिर या फिर या फिर आपके पास क्या है आपके पास एक रिलायबल एस्टिमेट नहीं है सिंपल सी बात है उसको हमने क्या बोला सर कॉन्टेंजन लाइब्रेटी हाँ जी बिल्कुल सही अब सुनो मेरी बात ध्यान से कुछ एग्जाम्पल यहां पर लिखे हुए हैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे कुछ नहीं आएंगे देखो क्या बोला सर क्लेम अगेंस्ट एंटरप्राइज नॉट एक्नोलेज एज डेट किसी ने मेरे कंपनी पे क्लेम करा है लेकिन मैंने वो क्लेम माना नहीं है मतलब कोर्ट केस चल रहा है ये तो सिंपल है कि भाई मुझ पर किसी ने क्लेम करा जी बिल्कुल सही ऑल राइट सर वो मैंने क्या है नॉट एक्नोलेज एस डेट मैंने उसको अपना डेट नहीं माना है मैंने अपनी लाइबिलिटी उसको नहीं माना है जी बिल्कुल भी नहीं माना है राइट ठीक है कोर्ट केस चलेगा मतलब अनसर्टेन है सर कोई दिक्कत नहीं उसके बाद गारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टीज मतलब आपको पता है हमने बीसी के में एक, एक एग्जाम्पल किया था कि मान लेते हैं हाँ, कि मुझे लोन चाहिए ऑल सर ऑल बैंक ने बोला कि भाई किसी की गारंटी दिलवाओ ऑल राइट मैं एक किसी अपने अमीर फ्रेंड को ले गया दीपांशु मुंजाल याद होगा आपको एग्जाम्पल जिन बच्चों ने बीसी के मुझसे पढ़ा सर मैंने दीपांशु को बोला दीपांशु एक बार मेरे बैंक चल उनको गारंटी दे दे कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो तू देगा अब बात समझ रहे हो सर उसको क्या बोलते हैं गारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी हां जी तो दीपांशु ने गारंटी दी है अब दीपांशु को पैसे देने पड़ सकते हैं अगर मैंने बैंक को पैसे नहीं दिए प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है हां जी प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है

क्या है प्रोविजन और कॉन्टिंजेंट लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है तो पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर बुक से पढ़ाऊंगा सर एक छोटा सा डिफरेंस है क्या भाई प्रोविजन की जगह मैं बात करता हूं तो मैं प्रोविजन कब बनाता हूं सबसे पहला जब मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मतलब मुझे पता है कि मुझे पैसे देने हैं और, 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 और हाँ जी मैं उसको प्रॉपरली एस्टिमेट कर सकता हूँ सर उसका रिलायबल एस्टिमेट अवेलेबल है

आपको पता है पैसे देने पड़ेंगे लेकिन आपके पास रिलायबल एस्टिमेट नहीं है इसलिए आपने रिकॉर्ड नहीं करा करा हाँ करा या ना आ जाओ बस ये मेन डिफरेंस है देखो ध्यान से डिफाइन डिफाइन क्या करा? कि प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लाइबिलिटी हो चुकी है लाइबिलिटी ठीक है अनसर्टेन अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता है लेकिन विच कैन बी मेजर सर लेकिन मैं उसको प्रॉपरली मेजर कर सकता हूं yes no? जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैं पिछले डेटा के बेसिस पे आराम से एस्टीमेट कर सकता हूं हाँ मेरे पास एक रिला, रिलायबल एस्टीमेट है डिपेंडिंग ऑन द क्रिस्ट तो इसने डिफाइन करा है पहले में क्या डेफिनेशन प्रोविजन मीट द रिकोगशन क्राइटेरिया सर रिकनाइज करने के लिए क्या चाहिए होता है कि आज आपकी लाइबिलिटी है ये yes, सर और आपके पास उसका रिलायबल एस्टिमेट है hmm.

यहां पे क्या बोला गया एन आउटफ्लो ऑफ सर एंड अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड तो ये सब चीजें कॉन्टिंजेंट लाइब्रेरी में नहीं है बस कॉन्टिंजेंट में क्या है सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन देखो कॉन्टिंजेंट लाइब्रेट इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लीगेशन दैट डू नॉट मीट द रिक्शन क्राइटेरिया बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट प्रोबेबल दैट सेटलमेंट विल रिक्वायर आउटफ्लो कि भाई अगर मैं वो साफ करवाना होगा तो मुझे किसी को पेमेंट नहीं करनी है आउटफ्लो नहीं है या फिर मैं अमाउंट को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकता हूं आई होप अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी है ना क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आती तो याद करने में दिक्कत होती है ऑल राइट right. और हमारा फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल सा पॉइंट है इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट इट इज प्रॉबेबल दैट सेटलमेंट विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफि इट अ प्रोविजन द बैलेंस शीट तो मेन क्या है

यूनिट वन यूनिट थ्री जो है ये मैं आपको बाद में दिखाता हूं यूनिट <coughs> फाइव <Unit five. coughs> एक सेकेंड रुको पहले मुझे बता दो क्या आपको कॉन्टिजेंट एसेट, लाइबिलिटी और प्रोविजन क्लियर है एक बार बता दो, जब तक पानी पी लेते हैं ऑल <coughs> क्लियर है बहुत बढ़िया फैंटास्टिक ठीक है क्वेश्चन आपके सामने यही है कि प्रोविजन और ये मेरा सबसे मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं सर इसी में है हाँ जी इसी में कि प्रोविजन और कॉन्टिंजेंट लाइब्रेरी का जो आपका डिफरेंस है हांजी डिफरेंस है पाँच समय में आ गई ठीक है ऑल राइट सर ऑल राइट ये सेम है जो आपके बुक में लिखा है हां जी बुक में लिखा है लाइब्रेटी और कॉन्टिंजेंट लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है ये हमने पढ़ लिया जी समझ पढ़ा ठीक है छोटा सा है वो नहीं है है वो ज्यादा नहीं तो एग्जाम में इसलिए कम आता मेन एग्जाम में क्या आता है फोर मार्क्स में आपका ये आ जाता है कि प्रोविजन और कॉन्टेंजेंट लाइब्रेट में क्या डिफरेंस है बात समझ में आ गई ऑल right, right. अब आते हैं यूनिट नंबर पे अगेन छोटी hmm. सी यूनिट आज आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई जिसको रुकना है वो रुक सकता है जिसको जाना है वो जा सकता है ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मुझे पता है मुझे किन बच्चों को पढ़ाना है किन बच्चों को नहीं पढ़ाना छोड़ दो

रूल में आपके पास ऑप्शन है उस ऑप्शन को चूज करना अकाउंटिंग पॉलिसी देखो अगर बहुत सिंपल वर्ड में बोले तो क्या बोला गया कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अपलाइंग दिस प्रिंसिपल्स सर मेथड्स ऑफ अपलाइंग दिस प्रिंसिपल एडॉप्टेड द एंटरप्राइज इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको क्या बोला अकाउंटिंग पॉलिसी इससे भी ज्यादा आसान यहां पर डिफाइन किया गया द मैथड ज सेलेक्टेड बाय दट एंटरप्राइज फॉर वैल्यूएशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे सर जैसे मेन आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल यहां पर लिया गया है एक तो इन्वेंट्री इन्वेंट्री के आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या क्या है कि भाई आप लीफो से कर लो फीफो से कर लो डिफो तो नहीं है छोड़ो फीफो से कर लो एवरेज है वेटेड एवरेज है हाँ जी कोई भी उठा लो तो इनमें से आपने एक चूज करा दैट इज आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है अब देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट का मतलब मान लो मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करता हूं मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स परचेस कर रहा हूं अच्छा मैंने आज परचेस करे मैंने एक हफ्ते बाद दोबारा परचेस करे आज सौ रुपए का है अगले हफ्ते डेढ़ सौ का हो गया फिर फिर दोबारा परचेस करे हाँ जी बिल्कुल सही बात है लेकिन जब बेचे जब मैं उसको बेचता हूं तो मुझे यह नहीं पता होता है कि मैंने पहले वाले बेचे हैं अब वाले बेचे हैं सर शेयर बेच दिए हाँ जी तो उस टाइम पे मुझे क्या करना होता है उस टाइम पे जो उसकी कॉस्ट निकालनी होती है या तो फीफो से निकालूंगा जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने फर्स्ट ऑफ लेट से फर्स्ट ऑफ दिसम्बर को एक कंपनी के शेयर परचेज़ करे जब सौ का था सर कितने का सौ का हाँ जी सौ का अच्छा ठीक है फिर मैंने क्या करा सर फिर मैंने लेट्स फिफ्थ ऑफ डिसम्बर को परचेस करे वो 110 का हो गया था अच्छा ठीक है अब क्या हुआ अब मैंने मान लो नाइन्थ ऑफ डिसम्बर को वो शेयर बेच दिए सर शेयर बेच दिए अच्छा वन थर्टी रुपीज़ में ऑल राइट right, सर ऑल राइट right. अब मान लो मैंने यहाँ पे 10 शेयर परचेस करे थे और यहाँ पे 20 शेयर परचेस करे थे मैंने पंद्रह शेयर बेच दिए अब इस पंद्रह शेयर्स की कॉस्ट कितनी है मतलब अब ये कौन से शेयर है सौ वाले या एक सौ दस वाले मुझे थोड़ी पता है सर वहां पे ऐसे मार्किंग थोड़ी होती है हाँ जी बिल्कुल सही आपने तो बेच दिए तो अब अगेन यहां पे आपको एक अकाउंटिंग पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि या तो फीफो बोलो फीफो मतलब कि भाई जो आपने शेयर पहले परचेस करे थे वही आपने बेचे हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी कि भाई दस शेयर आपने सौ वाले बेचे हैं हाँ और पांच शेयर आपने एक सौ दस वाले बेचे ये प्रैक्टिकल नहीं है इसका बस मैं आपको समझा रहा हूं हाँ कि इन, आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी क्या आता है सर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी आती है फिर डेप्रिसिएशन है वहां पे भी आती है देखो आ जाओ हम्म अब ये जो लाइन उन्होंने लिखी है कोई पढ़ के बताएगा मुझे सर स्टडी मैट में जो आपके पॉलिसी में पहली लाइन है ये बेचारे इनमें स्पेस देना भूल गए ठीक है तो क्या बोला गया सपोज अच्छा एन एंटरप्राइज होल्ड्स सम इन्वेस्टमेंट्स अच्छा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी पढ़ पा रहे हो मैं पढ़ पा रहा हूं ठीक है सर शेयर्स ऑफ ऑफ अ कंपनी एट द एंड अकाउंटिंग पीरियड वाह ठीक है सपोज ये क्या लिखा हुआ है सपोज एन एंटरप्राइज होल्ड्स इन्वेस्टमेंट्स इन द द फॉर्म ऑफ 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 शेयर्स अ कंपनी एट एंड अकाउंटिंग पीरियड अच्छा ठीक है राइट तो शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करोगे या तो फीफो ये सब चीजें ऑलराइट right. जो आपने सेलेक्ट करा वो सब चीजें जैसे इन्होंने बोला डेप्रिसिएशन में भी होता है कि डेप्रिसिएशन में बहुत सारे मेथड है किसी एक को चूज करना इज अकाउंटिंग पॉलिसी अब अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कैसे करते हैं सर आप, आप कोई भी मेथड चूज कर रहे हो तो कुछ तो सोचोगे ना ये इंकी पिंकी पोंकी करोगे नहीं सर हाँ नहीं, ऐसा नहीं करेंगे द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड विद ड्यू केयर आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि आपके एंटरप्राइज के लिए कौन सी पॉलिसी सूटेबल है अच्छा विद ड्यू केयर आफ्टर कंसिडरिंग इट्स अफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑन द बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम द एंगल ऑफ वेरियस सिंपल सी बात है कि आपको बहुत सोच समझ के आपको क्या करना है पॉलिसी को चूज करना है बस अच्छा थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करते अपलाई करते टाइम आपको तीन चीजों का ध्यान रखना होगा सबसे पहला का प्रूडेंस इसका मतलब कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है कोई भी ऐसी पॉलिसी चूज करो जिससे आपको ज्यादा गेन शो नहीं होना चाहिए मतलब कि भाई आप कोई भी ऐसी पॉलिसी में चूज करो जिससे आपकी इनकम ज्यादा दिखे क्योंकि हमारा प्रूडेंस काउंसिल हमेशा बोलता है कि अपनी इनकम को अंडर स्टेट करके रखो क्योंकि अगर आपने ओवर स्टेट कर दी

आपने गुड्स परचेस करे अच्छा गुड्स आपके पास आ गए आपने उनको यूज भी कर लिया आगे बेच भी दिया लेकिन मान लो किसी रीजन से अभी तक नहीं आया तो क्या मैं गुड्स को रिकॉर्ड ना करूं को रिकॉर्ड ना करूं ये गलत अकाउंटिंग पॉलिसी है तो इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसी में सब्सटेंस रियालिटी आपके टेक्निकल फॉर्म से ऊपर होना चाहिए ठीक है मेटीरियलिटी करेक्ट बात है आप जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओगे और कंपनीज ऐसा करती है कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसी में जब आप आर्टिकलशिप में ऑडिट करने जाओगे

अगेन <coughs> आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखें एग्जाम्पल वेर इन सेलेक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज मेड कैन बी गिवन एज फॉलो सबसे पहला इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट्स जैसे हमने बोला कि इन्वेंट्री में अगेन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जी इन्वेस्टमेंट में भी होते हैं हां जी बिल्कुल सही बात है कोई दिक्कत नहीं उसको छोड़ दो अब क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो अभी हम पढ़कर आए कि वैसे तो आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो करनी चाहिए कि अगर मैंने इस बार कोई एक मेथड चूज कर लिया है तो इसी मेथड को मैं क्या करूंगा ईयर बाय ईयर फॉलो करूंगा लेकिन फॉर सम रीजन आप चेंज करना चाहते हो तो कुछ ही सर्कमस्टैसे जिसमें आप चेंज कर सकते हो क्या कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हाँ जी लॉ और बेटर प्रेजेंटेशन तो वही बोला हुआ है क्या इट इज रिक्वायर्ड बाय सम सम्यू मतलब लॉ और कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर चेंजेस वुड रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन वही सेम चीज हम पढ़ कर आए बिल्कुल सही है लेकिन जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो आपको हमेशा उस चेंज का इफेक्ट शो करना चाहिए क्या बोला like पॉलिसी चेंज कर रहे हो डब्ल्यू डीवी से एस एल एम हाँ तो आप बता देना कि भाई इसको चेंज करने से मेरा इस साल का प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है ये आपको क्वांटिफाई करके बताना होता है डिस्क्लोज करना होता है अच्छा ऑल राइट right, सर ओके चैप्टर खत्म हो गया क्या हाँ झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या आते है सर? आ क्या आते हैं हैं सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या आप डिफाइन कर पाओगे क्या आप कोई मेथड चूज कर रहे हो जी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है आइडेंटिफाई फ्यू एरियाज इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रीक्वेंटली अकाउंटेड इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन सिंपल चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव अ मेटीरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन देखो आ जाओ सेम जो हमने अभी पढ़ा देखो सर सबसे पहले क्या डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ब्रीफ जितना लिखा हुआ है उससे ज्यादा मत लिख देना पहले बता रहा ठीक है बेकार में टाइम वेस्ट होगा और मिल लेना चार नंबर गई इसके बाद चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में है इफेक्ट इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस काफी ज्यादा चेंज हो सकता है तो आपको डिस्क्लोज करना है मैंने यहाँ क्या लिखा ज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में है इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपने वेटेड एवरेज से फीवो में कर लिया तो भाई हो सकता है कि आपकी इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा हो हाँ, तो वो आपको क्वान्टिफाई करना पड़ेगा तो क्या बोला गया अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन क्वानिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट हेल्थर्स आपको क्या करना है आपको उसको क्वान्टिफाई करके बताना पड़ेगा कि मैंने जो इस बार पॉलिसी चेंज करी है ये सर उस पॉलिसी को चेंज करने से ये हुआ ये हुआ है सिंपल सी बात है हाँ जी सिंपल सी बात है ओके यूनिट नंबर सिक्स खत्म हो गई बताओ भाई क्लियर है फटाफट से बोलो जल्दी से एवरीबडी जल्दी से मुझे बताएंगे क्लियर hmm. है बहुत बढ़िया फैंटास्टिक क्लियर मैक्सिमम बेटा आधा पौना घंटा हो रहा है तीन घंटे मैंने आपको बोला तीन घंटे में खत्म हो जाएगा यस सर हाँ जी ठीक है अब आते हैं यूनिट नंबर सेवन पे यूनिट नंबर सेवन अगेन बेकार यूनिट है 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 आ जाओ इसमें ज्यादा अकाउंट्स कम है। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक कॉन्टिंजन लाइब्रेटी है ये तो मैंने समझा रखा है बिल आपने डिस्काउंट करा हाँ जी उसकी मेचोरिटी नहीं आई है तो वो कॉन्टिंजन लाइब्रेटी है क्यों क्योंकि अगर ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए तो आपको देने पड़ते हैं ना इसलिए वो कॉन्टिंजन लाइब्रेट है ठीक है ओके 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 आर टी फास्ट ट्रैक कब किसी ने बोला सर फास्ट ट्रैक कब लोगे ठीक है बेटा चले आगे ठीक है आ जाओ फटाफट फड़ से सर नेक्स्ट हाँ जी नेक्स्ट चैट को ऑफ करेंगे किसी ने बोला बैड डेट लाइब्रेरी है बेटा दिख रहा है मुझे एग्ज़ाम में क्या होने वाला है ना आपका हाँ दिख रहे हैं मुझे वो तो दिख रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से चैट सेक्शन में दिख जाता है बेटा वो थर्टी परसेंट कौन पास होने वाला है इधर देखो फटाफट भड़ से सर मीनिंग ऑफ मेजरमेंट मीनिंग ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है <laughs> अब ये जो यूनिट है ना हाँ ये बहुत ही ज्यादा जनरल और सिंपल यूनिट है मतलब मतलब ये कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है सर नापना तोलना बस उसी की बात करने वाले ठीक है तो कह रहे हैं मेजरमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग यस क्योंकि हमें अपने ट्रांजेक्शन को मेजर करना होता है किसमें मनी के फॉर्म में प्राइमेरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी ओ हो क्या बात बोलिए ठीक है अच्छा आ जाओ देखो अब यहां पे बोलता है कि मेजरमेंट हांजी डिसिप्लिन डील्स विद थ्री बेसिक एलिमेंट्स आपको किसी भी चीज को मेजर करना होता है तो उसमें तीन एलिमेंट आपको देखने होते हैं सर कौन से तीन एलिमेंट हैं देखो यहां पे यहां पे जो लिखा हुआ है सबसे पहला कि भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू बी कह रहा किस चीज को मेजर करना है अच्छा राइट right? कि भाई अगर आपको मेजर करना है तो किस चीज को जैसे आपको अपने रेवेन्यू को मेजर करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर करना है सर आपको अपनी एयर क्वालिटी को मेजर करना है किस चीज को मेजर करना है ऑलराइट सेलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट अगर हम हम बात करते हैं अकाउंट्स की तो हमारा जो स्टैंडर्ड और स्केल है वो क्या है मनी भाई क्या मैं अपनी सारी ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर नहीं कर रहा हाँ जी बिल्कुल कर रहा हूं अगर मैं एयर क्वालिटी की बात करता हूं तो एयर क्वालिटी को मेजर करना है उसका स्केल क्या है सर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है हाँ वो उसका स्केल है बिल्कुल सही बात है अच्छा ठीक है इसके बाद इवेल्युएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल इसका मतलब कि जो जो भी आपने आपने measurement standard जो आपने सर मेजरमेंट स्टैंडर्ड चूज करा है जैसे मैंने अगर मनी चूज करा है हाँ तो आ, आपको इवेल्युएट करना होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम कि जो वैल्यूज आपकी आ रही है वो सही आ रही है गलत आ रही है अब ये जो है ये एक्चुअली में अकाउंट्स के परस्पेक्टिव से इतना ज्यादा uh, रेलिवेंट नहीं है लेकिन ये बाकी चीजों के लिए बोला गया है कि मान लो जैसे मैंने एयर क्वालिटी का एयर क्वालिटी का एग्जाम्पल लिया ठीक है तो मुझे यहाँ पे क्या मेजर करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सर एयर क्वालिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा कल एयर क्वालिटी इतनी खराब थी क्या ही बताऊ में आपको ठीक है हाँ जी बिल्कुल सही अभी भी खराब है सर देखो ध्यान से राइट अब यहाँ पे क्या होता है एक एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है राइट तो वो मेरा क्या हो गया वो मेरा हो गया स्केल हम्म अब क्या होगा डेली आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है राइट जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे यहां पे

भाई किसको नापना है किसको तोलना है तो अकाउंटिंग इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या बोला मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हां जी मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल राइट सर नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम अच्छा ठीक है इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं ठीक है स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजरमेंट अकाउंटिंग में क्या है मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट समझ जाओ बेटा कैसा चैप्टर है राइट मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट जी मैं कुछ भी मेजर करता हूं तो किस में मेजर करता हूं मनी में हां जी मनी में लेकिन मनी में कुछ प्रॉब्लम <laughs> क्या बोल रहा है मनी एज अ मेजरमेंट स्केल हैज़ नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन मतलब मतलब भाई इंडिया में मनी को आई एन आर में मेजर करते हैं बाहर पाउंड मेजर में कर रहे हैं हां, तो यूनिवर्सल तो डिनोमिनेशन है इट ये बात तो सही है Yes no? ये बात तो सही है हाँ जी बिल्कुल सही राइट right? अगर मैंने एक मशीन फॉर भी दिया है, कि लेट से, अगर एक इंडिया में है, उसने तो आप क्या मानोगे कि आपने जो लोन लिया वो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का लेकिन मान लो एक्सचेंज रेट थोड़े टाइम बाद चेंज हो गया फिफ्टी फाइव तो इसका मतलब वो लोन कितने का हो गया टू सेवेंटी फाइव का ये क्या बात होगी हाँ तो जो मनी है सर वो बहुत वॉलेटाइल है सर उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है इट कीप्स कीप्स ऑन ऑन चेंजिंग चेंजिंग जी क्योंकि आप क्या चाहते हो जो आपका स्केल है वो को. तो वेजिटेबल्स तो सर किस में के जी में हाँ अरे तो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैं कल गया था सब्जी लेने वन के जी से सर मेरे को टोमेटो परचेस करने सैंडविच खाना है मुझे ऑल राइट तो बेटा एक किलो में जितने टमाटर कल आए थे क्या आज भी उतने टमाटर आएंगे <laughs> अरे आएंगे ना हाँ उतने ही तो आएंगे सर क्या वो चेंज होगा वो चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब उसका मतलब सर उसका जो स्केल है वो क्या है वो आपका आ, स्टेबल है हाँ जी लेकिन अकाउंट्स में क्योंकि हमारा स्केल क्या है मनी मनी इज नॉट स्टेबल उसका यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं है है ना क्योंकि डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है अब मनी को किस में एक्सप्रेस कर रहे हो यहां पे आई एनआर में बहार किसमें बहार किसमें हांजी बिल्कुल सही बात है राइट लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी अब देखो क्या मैं सारी ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं इसलिए क्या बोला गया लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हर जगह मनी नहीं चल सकता है बिल्कुल सही बात है सब चीजों को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हो करेक्ट है दूसरा सर इट आल्सो बिकम्स जैसे हमने बोला एक्सचेंज रेट आपका एक्सचेंज रेट क्या है इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग इसलिए आपका जो मनी का जो मेजरमेंट है सर वो क्या है बहुत वॉलेटाइल है सिंपल ऑल राइट सर ठीक है अब देखो जो हमारा थर्ड पॉइंट था क्या डायमेंशन ऑफ द मेजरमेंट स्टैंडर्ड अब डायमेंशन क्या बोल रहा है क्या रहा है देखो जो आपका स्टे आपका स्केल है दैट शुड शुड बी बी स्टेबल स्टेबल आइडियल मेजरमेंट स्केल ओवर टाइम इन्होंने वही लिया है अच्छा जो मैंने लिया मतलब मैंने इनका कॉपी किया है वन के जी कैबेज आपने जो आज परचेज किया उसमें जो क्वांटिटी आई है कल भी उतनी आएगी एक साल बाद भी उतनी आएगी हाँ तो इसका मतलब वो स्टेबल है लेकिन 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 मनी एज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल हाँ स्टेबल तो नहीं है हाँ जी स्टेबल तो नहीं है. बिल्कुल सही बात है सेम क्वानिटी ऑफ मनी बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं बड़ी अच्छी बात बोल रहे सेम क्वानिटी टू बाई द्वानी ऑफ गुड्स हजार रुपए से आज जो मैं परचेस कर सकता हूं मैं एक साल बाद हजार रुपए से उतना परचेस नहीं कर पाऊंगा <coughs> <coughs> सब बात तो सही कर हाँ, तो सही कर इंफॉर्मेशन ऑफ वन ईयर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी में नॉट बी कंपेरेबल पहले भी करिए भी करिए जैसे पे क्या बोला? देखो ईयर वन और ईयर टू है यहाँ पे अच्छा ठीक है आपने ईयर वन में पांच हजार पीसिस बेचे अच्छा कितने के पांच लाख के ईयर टू में फोर्टी फाइव हंड्रेड बेचे लेकिन फाइव फोर्टी के क्यों क्योंकि मनी की वैल्यू चेंज हो गई थी इनफ्लेशन हो गया था एक तरीके से सर क्या हो गया इनफ्लेशन हो गया अभी आपको क्या दिख रहा है कि आपकी सेल बड़ी है लेकिन एक्चुअली में आपकी सेल कम हुई है सर एक्चुअली में क्या हुआ एक्चुअली में सेल कम हुई है हाँ जी एक्चुअली में सेल कम हुई है इसीलिए क्या बोला गया कि भाई मनी एक बहुत अच्छा मेजरमेंट नहीं है अब क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते ठीक है <coughs> इसके बाद क्या है इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हाँ इनको हमें समझना पड़ेगा हाँ समझना पड़ेगा मैं समझाऊंगा जाओ सर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है देर आर फोर जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस फॉर वैल्यूएशन किसी भी एसेट या लाइब्रेरी को मेजर करने के आपके चार प्रिंसिपल हैं कौन कौन से हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉस्ट रियलाइजेबल प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू आपने मैथ्स में बहुत रखा है हाँ, बाकी तीन मैं आपको समझाने वाला वालों सुन लो ध्यान से हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है एक्विजिशन प्राइस कि अगर आपने एसेट परचेज किया जिस वैल्यू पे आपने परचेस करा जी वो आपका क्या हो जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट तो एक तो हमारा प्रिंसिपल ये है कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लो जिस भी वैल्यू पे आपने परचेस करा उस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो बात कर अच्छा इट मीन प्राइस बात अगर बिजनेस ने लाख रुपए दिए इंस्टॉलेशन के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट तो तो में क्या होता है टाइम ऑफ एक्विजिशन और भाई जितना पैसा आपने किया लाइब्रेरी आर रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर ऑब्लिगेशन मतलब अगर मैंने लोन लिया एक लाख रुपए का तो वो लाइब्रेट मेरी एक लाख रुपए की है सिंपल सी बात है हाँ, ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट है इसमें ज्यादा कोई भी दिक्कत नहीं है अच्छा लेकिन किंतु परंतु जब मैं करंट कॉस्ट की बात करता हूं सर करंट कॉस्ट का मतलब क्या है पहले समझ लो फिर मैं आपको रीड करवाऊंगा करंट कॉस्ट का मतलब है कि जो एसेट मेरे पास आज है अगर आज मैं उसको परचेस करने जाऊंगा बिल्कुल वैसा ही एसेट तो मुझे कितने का पड़ेगा मतलब लेट से सर लेट से मेरे पास एक कैलकुलेटर है हाँ जी मैंने एक परसों परचेस किया

क्या बोला इसने कि भाई ये हमारा वैल्यूएशन प्रिंसिपल बोलता है कि आप एसेट को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करो कि अगर आज बिल्कुल वैसा ही एसेट परचेस करना होता तो कितने वैल्यू पे परचेस करते एक तरीके से मार्केट प्राइस ना लाइबिलिटी कि अगर आज आपको पेमेंट करनी होती तो कितना पैसा पे करना होता सर सेम ही तो आएगा नहीं यहां पर एग्जाम्पल लेना है क्या एग्जाम्पल है सुनो मेरी बात से, आपने मान लो एक लोन लिया सर कितने का लोन लिया फाइव फाइव लाख रूपीज का ठीक है ऑल राइट सर

ट वुड बी रिक्वायर टू सेटल देशन करेंटली अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो क्या मतलब है इसका अगर एसेट की बात करें अगर जो आपका एसेट है जिसको आपको वैल्यू करना है मेजर करना है अगर आज उसको आप खरीदने जाओगे तो कितने का मिलेगा एसेट लाइब्रिलिटी जो आपकी लाइब्रिलिटी है अगर आज ही पे कर दोगे तो कितना पे करना पड़ेगा वो है करंट कॉस्ट सिंपल सी बात है आपका पहला क्या था हिस्टोरिकल कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस भी आपने अमाउंट पे जिस भी वैल्यू पे आपने एक्वायर किया hmm. जितने का आपने लोन लिया बस बात खत्म तो, वो आपका कॉस्ट है अब बात करते है, की। Sir, मतलब, आज अगर मैं बेचने तो कितने पैसे मिलेंगे तो देखो, देखो, देखो। लेते लेते आईफोन का क्योंकि आपको आईफोन का एग्जाम्पल ज्यादा कनेक्ट होता है ना सबको चाहिए आईफोन सुनो ध्यान से राइट सर मान लेते हैं मैंने क्या करा मैंने अभी पिछले महीने आईफोन लिया नवंबर में मैंने आईफोन लिया सर कितने का फिफ्टी okay. तो तो no no मुझे अगर में इसको value करना है है तो मेरा फोन जो है, राइट सर, अगर आज मैं वो फोन खरीदने जाता हूं <coughs> आज मैं फोन खरीदने जाऊंगा मतलब सर मतलब अगर आज मैं फोन खरीदने जा रहा हूं जो एक महीना यूज हो चुका है एक महीना पुराना फोन अगर मैं खरीदने जाऊंगा जी तो मुझे वो मिल जाएगा कितने का सर फोर्टीज का तो वो उसकी करंट कॉस्ट है तो, 40 का तो नहीं मिलेगा का मान लो ठीक है है तो वो उसकी कॉस्ट हाँ जी बिल्कुल सही लेकिन 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 आज अगर मैं फोन को बेचने जाऊंगा सर वो बिक कितने का रहा है वो बिक रहा है फोर्टी का करेक्ट तो ये रियलाइजेबल वैल्यू अच्छा आप बात समझ रहे हो समझ रहे समझ क्योंकि भाई जितने का मैं बेचता हूं आगे वाला प्रॉफिट एड करके बेचता है ना उसको तो मतलब मतलब ये सुनो मेरी बात से जिस वैल्यू पे एक्वायर किया हिस्टोरिकल कॉस्ट आज अगर वही एसेट में खरीदने जाऊंगा करंट कॉस्ट आज अगर उसको बेचूंगा तो कितने का बिकेगा रियलाइजेबल वैल्यू राइट एवरीबड देखो ध्यान से hmm. क्या बोला इसने कह रहे जी अगर मैं आज उसको बेच दूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे जी बिल्कुल सही का तो सिंपल है सेटलमेंट वैल्यू आज अगर मैं उसको फॉर सेटल करता हूं तो कितने पैसे लाइबिलिटी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एसेट hmm. बात समझो एग्जाम्पल देखो यहां पर इफ ही वुड सेल द मशीन परचेस्ड सर जो मशीन उसने परचेस करी थी कितने की सेवन लाख रुपीज की जी ये सुनो वो ट्वेंटी लाख रुपीज की आज बिक सकती है रियलाइजेबल वैल्यू

खरीदने जाएगा तो कितने की पड़ेगी पच्चीस की हाँ जी बिल्कुल सी बात बैंक से अगर लोन सेटल करना है तो पांच लाख का लाइब्रेटी को छोड़ दो एसेट पे ध्यान दो सिंपल हाँ जी सिंपल अब प्रेजेंट वैल्यू तो मैं क्या ही समझाऊंगा आपको आप पढ़कर आए प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है अगर मेरे पास कोई एसेट है हां जी मुझे क्या निकालनी है प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो दैट आइटम इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या मतलब है इसका सुन लो ध्यान से आपको समझा देता हूं वैसे आपको मुझसे बेटर आता है ठीक है भाई मैंने अगर लेट से मेरा आईफोन जो है वो मेरा एसेट है मैंने फिफ्टी थाउजेंड का परचेज कर रखा है ओके या मशीन ले ली मैंने कोई भी आईफोन अगर नहीं तो छोड़ मशीन मैंने फिफ्टी थाउजेंड की परचेज हाँ। यूजफुल लाइफ है इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है सर यूजफुल लाइफ पांच साल है सर कितनी है पांच साल हाँ जी पांच साल तो मैं क्या करूंगा एक दो तीन चार पांच अब यहां मैंने क्या किया मैंने लिखा कैश इनफ्लो कैश इनफ्लो मतलब मतलब इस मशीन से मैं कितने पैसे कमा सकता हूं इस मशीन से कितना रेवेन्यू मैं जनरेट कर सकता हूं जी मान लो मैंने क्या लिखा मैंने लिखा एक लाख रुपए एक लाख रुपए एक लाख रुपए अब ये बिजनेस एस्टिमेट करता है और कुछ नहीं सर एस्टिमेशन है जी बिल्कुल अब ये क्या है अनडिस्काउंटेड सर इसका मतलब इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू मतलब अब भाई एक लाख रुपए एक साल बाद मिलेंगे तो आज कितने वैल्यू सर दो लाख रुपए दो साल बाद मिलेंगे आज कितनी उसकी वैल्यू तो इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू मान लो बारह परसेंट से तो आपको पता है कि मैं क्या निकालूंगा इनका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर राइट तभी तो मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट वैल्यू आपको मुझसे बेटर आता है राइट तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो दैट आइटम इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट बात समझ में आएगी हाँ जी बात समझ आई इतना ही पढ़ना है प्रेजेंट वैल्यू में ऑल राइट बाकी एग्जांपल है पढ़ना है पढ़ लेना नहीं तो छोड़ देना <coughs> कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला इससे मतलब आपको सॉल्व करने के लिए कुछ भी आने वाला ठीक है सर इसके बाद बारी आती है सर नेक्स्ट टॉपिक की क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि आपको पता है अकाउंटेंट के पास कई बारी एक ट्रीटमेंट करने के एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो उसको क्या करना होता है सर एक तो चूज करना होता है ये सर वो हमने पढ़ा किसमें अकाउंटिंग पॉलिसी में अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास

मुझे पता है क्या नहीं दो साल बाद तीन साल बाद चार साल बाद खराब हो जाए मुझे नहीं पता ये सर नहीं पता। नहीं? उसका जो यूजफुल लाइफ है वो क्या एस्टिमेट है

क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं hmm. क्या बोला गया सर क्वेश्चन गया ये रहा डिफाइन मेजरमेंट मेजरमेंट इन ब्रीफ का मतलब बताओ एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट यहीं पे देखते देखते हैं हैं ना आंसर के साथ सर मेजरमेंट hmm. को डिफाइन करना हाँ जी आराम से आप डिफाइन कर सकते हो कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है सर कि मेजरमेंट का मतलब होता है ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना है मेजर करना है हाँ जी अकाउंटिंग में मनी इज द मेजरमेंट मनी इज द स्टैंडर्ड स्केल फॉर द मेजरमेंट अच्छा ठीक है एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए बेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स किसको मेजर करना है कैसा है, है, अच्छा है, है. अच्छा. है प्रॉपरली आपको समझाया हुआ है. क्योंकि ये आपको समझ में आएगा तो ही आप वहां पे लिख पाओगे इसलिए मैंने यहां पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है. देखो डिस्क्राइब इन ब्रीफ दरिव मेजरमेंट बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू एट विच आपको क्या बताना है आपको मेजरमेंट प्रिंसिपल जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल है तो यहां मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट करेंट कॉस्ट रिजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा इसको रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा राइट तो ये भी आपकी क्या होती है खत्म होती है बस इसके बाद एक दो बार ठीक है तीन बजे तक सॉरी आई थिंक एक बजे तक खत्म हो जाएगा एवरीबडी मुझे बता दो जो हमने पढ़ा है वो समझ में आ गया क्योंकि एक बार आपको समझ में आ जाएगा फिर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है सर फिर तो आसान है क्योंकि लिखना आपको अपनी लैंग्वेज में यह कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें यूनिट नंबर सेवन कंप्लीट जी सेवन कंप्लीट अनिकेत बेटा क्लास को लीव कर दो प्लीज एवरीबॉडी फटाफट फड़ से बताओ क्लियर यस सर किसी ने बोला फाइनल अकाउंट्स की बाकी की एडजस्टमेंट नहीं कराई आपने चैनल को थोड़ा देखोगे ना बेटा तो आपको दिखेगा क्या कराया क्या नहीं कराया है ना क्लियर हो गया चले फटाफट से आगे यस सर ओके देखो तो सही चैनल देखते नहीं है क्या कराया क्या नहीं कराया हंड्रेड परसेंट रिविजन हो चुकी है डन है ओके बेटा एग्जाम वाले दिन आपको सुबह कुछ नहीं करना है ठीक है आपको ये पीडीएफ मैं में दे दूंगा बस ये पीडीएफ पढ़ना है पढ़ना और कुछ नहीं करना चलो आ जाओ फट से टाइम पास नहीं करते हैं, जल्दी खत्म करते हैं और उसके बाद चलते हैं घर अपने आ जाओ सर इसके बाद क्या है इसके बाद आपका जो आता है यूनिट नंबर एट और नाइन जी उसमें जो आपके क्वेश्चन है ना बस आपको वो क्वेश्चन रीड करने मतलब यूनिट ट और नाइन जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसमें से कभी क्वेश्चन नहीं बना क्या बात कर रहे हो हाँ जी ठीक है राइट तो उसको आपको बस रीड करना है मैं आपको पूरा पूरा का समझा दूंगा कि क्या क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा मेनली उसमें दो क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट से एक तो क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ठीक है थीके? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करने के एडवांटेज क्या होते हैं बस बस हाँ जी बिल्कुल सर ठीक है थीके? तो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन ब्रीफ देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है सिंपल सी बात है अब आपको दिख रहा है कि बहुत सारी जगह अकाउंटेंट को अपना एस्टिमेट यूज करना पड़ता है सर अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी होती है अब मान लो मैं कंपनी हूं अच्छा मैंने एस एल एम चूज किया किसी ने डब्ल्यू डीबी चूज किया किसी ने लीफो चूज किया किसी ने फीफो चूज किया आपके पास क्या आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसमें से चूज करते हो तो कंपनी की पॉलिसीज अलग हो सकती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए क्यों बनाए गए ताकि सारे कंपनी जो है सर सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉलो करें क्या करें सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एक यूनिफॉर्मिटी हो कि भाई सबकी पॉलिसी सेम हो रही है, तो अभी भी अलग हो सकती है लेकिन सबके हैं स्टैंडर्ड कर दिया बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे आपने एक स्टैंडर्ड पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट हा तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने आपको फॉर्मेट दे दिया कि भाई ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है

कि भाई मान लो एक्साम्पल अब पूरा इंडिया उन्हीं को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है कि यही करना है जी यही करना है इससे होगा क्या सर इससे होगा ये एडवांटेज में बताया हुआ है इससे क्या होगा सर इससे यूनिफॉर्मिटी आएगी सब सेम तरीके से अकाउंटिंग करेंगे कंपेरेबिलिटी मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और कंपनी से कंपेयर कर पाऊंगा सर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करेक्ट कोई मैन्युपलेशन नहीं होगी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि सुनो भाई हाँ जी आपको यही करना है तो यही करना है फिर काय की मैन्युपलेशन जी बिल्कुल सही बात है बात तो सही है तो सही है तो क्या बोला कह कैर द मेन एडवांटेज ऑफ सेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज दैट द एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंश्योर यूनिफॉर्मिटी कंपेरेबिलिटी प्रिपरेशन जी सर वेरिएशन रिडक्शन इन द वेरिएशन मतलब क्या होता है कि भाई अब कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वेरिएशन नहीं आएगी जैसे कंपनी दो हजार तेरह ने आपको स्केड्यूल में फॉर्मेट दे दिया वही फॉलो करना है जी वही फॉलो करना है अब बात समझ लो अच्छा ठीक है सिंपल सी बात है। accounting standards में काफी सारी चीजें लिखी होती है कि क्या क्या आपको डिस्कलोज करना है अच्छा हाँ कि भाई ये चीजें आपको डिस्कलोज करनी है आपको इन्वेंट्रीज में आपके पास क्या क्या है वो डिसक्लोज करो राइट right? डेप्रिसिएशन कैसे निकाला वो डिस्कलोज करो ओ मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट डिस्कलोज करो

तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बना दिए सर किस पे अप्लाई हो रहे हैं ये अप्लाई हो रहे हैं इंडिया पे लेकिन आपको पता है आज की डेट में क्या हो रहा है सर आज की डेट में पूरी दुनिया एक मार्केट है है ना 1991 के बाद सर अब तो क्या हो गया कि आराम से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब कुछ हो रहा है हाँ जी अब मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ मैं इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ आपको पता है हाँ जी बिल्कुल पता है कंपनीज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो सकती है सर बाहर भी हो सकती है ये बात भी सही है ये सुनो हाँ जी अब मुझे बताओ अगर मुझे चूज करना है कि यार मैं गूगल में इन्वेस्ट करूं अच्छा ठीक है या इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो इसका मतलब मैं दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा कंपेयर कंपेयर करूंगा और करने के लिए क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्मिटी लेकिन सर सर इंडिया ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं यूएस के अलग है जी किसी और के अलग है किसी और के अलग है तो कंपेयर कैसे करेंगे हाँ तो हमको क्या चाहिए हमें चाहिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब सुनो मेरी बात ध्यान से अब क्या होता है अकाउंटिंग तो बेटा हम बचपन में बोलते हैं फाइनल में जाते जाते आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग को एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफ का पेपर है <laughs> ना आपने सुना होगा यार एफ का पेपर बहुत लेंदी आया अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जी बिल्कुल सही बात है राइट तो अब क्या हुआ सर अब ग्लोबली कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिसको हमने क्या बोला आई एफ आर एस अच्छा सर क्या बोला आई एफ आर एस हांजी बिल्कुल सही इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कि भाई ये ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल अच्छा फाइनेंशियल इंटरनेशनल क्योंकि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चाहिए थे हाँ जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओके तो हमने आई ए फारेस्ट बना दी हाँ जी आई ए फारेस्ट बना दी ओ राइट ये क्या है अब ये ग्लोबली सारे कंपनीज अप्लाई करेंगी अच्छा ठीक है राइट हमने क्या करा इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड्स बनाए क्या बनाए इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड्स वगैरह बनाए ठीक है उसमें उन उन्होंने पूरा रिकमेंडेशन दिया सजेशन दी दि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो हमने कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाए में भी करने, हाँ करने। भाई सारे चल रहे। बड़ी मुश्किल से कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर रही थी अब एकदम से आई एफ आर एस आ गए क्या आ गए, आ गए। बड़ी दिक्कत हम बड़ी दिक्कत होगी तो हमने क्या किया सर हमने ऐसा नहीं किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बिल्कुल हटा दिया और को बिल्कुल कॉपी कर 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 लिया सर सर नहीं हमने उनको कन्वर्ज 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 दिया सर क्या कर दिया क्या का मतलब क्या होता है कि भाई सुनो हम हम जो जो कर रहे थे वो तो तो ठीक है और और में में था हाँ। तो हमने में कुछ कुछ हम। हमने कुछ कुछ चीजें चीजें हटाई लेकर आए उसमें इंडियस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओ तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, है एज पर आई एफ आर एस लेकिन हमने क्या किया धीरे-धीरे धीरे-धीरे कुछ चेंजेस चेंजेस कर कर दिए दिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अब बात समझ रहे हो तो देखो तो देखो क्या बोला गया है देखो, need, need, है एक्सप्लेन द नीड नीड बतानी ऑफ कन्वर्जेंस हमने मिलाया है उनको राइट एज ग्लोबल स्टैंडर्ड तो देखो ध्यान से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर किसने किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद क्योंकि भाई आईसीआई हमारी बॉडी है ठीक अच्छा, है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती थी डिसाइडेड टू कन्वर्ज अच्छा एंड नॉट टू अडोप्ट आई एफ आर एस हमने डायरेक्टली है जो इंडियन अकाउंटिंग जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दिए थे सर हमारा जो बोर्ड था वो कौन सा था हमारा बोर्ड था सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी था ये हमारा क्या है यह आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड राइट पूरे ग्लोबल कंट्रीज के क्या हुआ पूरे ग्लोबल कंट्रीज के जो भी आपके मान लो अकाउंटिंग एक्सपोर्ट्स वगैरह थे वो बैठे और उन्होंने आई एफ आर एस बनाया कि भाई क्योंकि हमें क्या चाहिए हमें ग्लोबल में यूनिफॉर्मिटी चाहिए कि इंटरनेशनली सारे कंपनीज क्या करेंगी ऐसी अकाउंटिंग करेंगी अच्छा ठीक है आई एस बी ऑल राइट तो डिसीजन ऑफ कन्वर्जेंस रेदर देन अडोप्शन वॉज टेकन आफ्टर द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ आई एफ आर एस रिक्वायरमेंट हमने देखा आई एफ आर एस की रिक्वायरमेंट क्या है जी हमने स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन करी भाई इंडिया ऐसा नहीं कर सकता ना कि भाई कंपनीज को बोलेगा सुनो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बंद कर दो आई एफ आर एस अपना दिक्कत हो जाएगी भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ना पड़ा जी डिटेल उसको पढ़ा फिर कंपनीज ने अप्लाई करा पूरे के पूरे प्रोसेस सेटअप करे अब एकदम से बोलोगे आई एफ आर एस अपलाई करो बड़ी दिक्कत है, हाँ, है तो हमने क्या करा सबके साथ डिस्कशन करी और हमने अकॉर्डिंगली वाइल फॉर्मुलेटिंग आई एफ आर एस कन्वर्ज इंडिया

कि भाई देखो हर कंट्री में बिजनेस करने का तरीका अलग है उनकी रिपोर्टिंग अलग है तो ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट ही मार दो भाई इंडिया का तरीका अलग है इंडिया में रिक्वायरमेंट अलग है हाँ रिक्वायरमेंट अलग है ये सुनो तो हमने जहां पे आईएफआरएस की बातें नहीं माननी थी हमने नहीं मानी अच्छा और जहां पर माननी थी हमने मान ली तो मेन क्या है जब आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी आप ये आराम से पढ़ पाओगे तो हुआ क्या हुआ ये कि पहले हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे अच्छा ठीक है जो कंपनीज पे अप्लाई होते हैं अब धीरे धीरे क्योंकि आई एफ आर एस आगे यस सर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अच्छा ठीक है राइट इंटरनेशनल बॉडीज ने उसको बनाया इशू करा हमने उसको एडॉप्ट नहीं कर दिया मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करा हमने उसको कन्वर्ज करा किसके साथ अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ राइट इन डिस्कशन विद दी स्टेक होल्डर्स आईसीआई और हमने क्या इशू करा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसमें आई एफ आर एस की बातें भी आ गई हाँ जी बिल्कुल आ गई कोई दिक्कत नहीं उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इशू ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपल सी बात है कि भाई क्योंकि अब पूरा का पूरा सर जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें देखो एस एन इन्वेस्टर कितना इंपॉर्टेंट है मान लो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है आप चाहते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें तो इसका मतलब आपको जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होगी वो आपकी बैलेंस शीट देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो उन्होंने क्या पढ़ रखा है आई एफ आर एस सर मान लो कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है यूएस में बैठा है राइट सर राइट वो वहां की कंपनीज की बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा है और वो डिसाइड कर रहा है कि इन्वेस्ट करूं या ना करूं अब जब वो इंडियन कंपनीज़ की देखेगा तो बिल्कुल अलग नहीं होनी चाहिए क्या हो गया क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी आसान हो गया ना जी बिल्कुल सही बात है ग्लोबल लिस्टिंग इन डिफरेंट क्या होता है बॉर्सिस का मतलब स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक हां जी बिल्कुल सही बात है ठीक मतलब है इंडियन कंपनी मतलब मतलब बाहर लिस्ट हो सकती है सर बाहर वाली यहां पे आ सकती है जी बिल्कुल सही बात है ठीक है

सर जब बाहर का डॉलर इंडिया में आता है तो इंडियन इकोनॉमी डेवलप होती है बिल्कुल सही बात है इट इंप्रूव्स द एबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स टू कंपेयर इन्वेस्टमेंट्स ऑन द ग्लोबल बेसिस अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है तो मुझे सिर्फ इंडियन कंपनी नहीं है सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्कोप बढ़ गया है मैं बाहर की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं हां जी बिल्कुल सही बात है एंड दस लोअर्स देयर रिस्क ऑफ ऑफ जजमेंट बात है जब मेरे पास ऑप्शन बढ़ गए तो मेरी इनकम बढ़ेगी रिटर्न बढ़ेगा रिस्क कम हो जाएगा सही बात है इट फैसिलिटेट्स उंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर कंपनी विद ग्लोबल ऑपरेशन एंड एलिंग ऐसे ही बहुत सारे कंपनी के हेड ऑफिस बाहर है लेकिन इंडिया में उनकी सब्सिडी वगैरह बिल्कुल सही बात है अब सोचो hmm. इंडिया में जो कंपनी है अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सप्लाई करती बस तो आपको उन कंपनी की अकाउंटिंग अलग करनी होती उनके हेड ऑफिस की अकाउंटिंग अलग करनी होती कितनी दिक्कत होती हाँ अब क्या हो गया क्योंकि हर जगह सेम स्टैंडर्ड लिए भी आसान हो गया हाँ जी बिल्कुल सही बात अकाउंटिंग करना भी आसान हो गया करेक्ट बात है राइट एलिमिनेट सम कॉस्टली रिक्वायरमेंट अच्छा री इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बात है सर आपको क्या करना होता था देखो ध्यान से मेरी बात सुनो पहले क्या होता था कि मान लो किसी की फॉरन कंपनी की इंडिया में सब्सिडी है तो इंडिया के हिसाब से अकाउंटिंग करनी होती थी वही अकाउंटिंग आपको बाहर के हिसाब से दिखाना है। हाँ तो क्या होता था इंडियन हिसाब से हट गई है अकाउंटिंग आसान होगी अकाउंटिंग आसान होगी आई होप आपको समझ में आया होगा बता दो खत्म नहीं हुआ अभी अभी मुझे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने आपका खत्म हो गया हाँ खत्म हो गया <coughs> चैप्टर खत्म हो गया एक मिनट ये देख लो सर यूनिट थ्री क्या था यूनिट थ्री में कुछ नहीं है जो आपकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है जी उसके पीछे जो क्वेश्चन है वो ये है basis आप डिफाइन कर सकते हो एमोटाइजेशन आप डिफाइन कर सकते हो कॉन्टिजेंट एसेट कॉन्टिंजेंट लाइब्रिटी तो चैप्टर वन आपका पूरा खत्म हो गया अब मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाने हैं जो आपके प्रीवियस इन राइट ऑल राइट अब सुन लो मेरी बात ध्यान से दस मिनट का काम है हा सुनो किसी ने बोला यूनिट नाइन सिलेबस में है पक्का अच्छा अब बात सुनो बात सुनो यूनिट टू पढ़ा तो दिया नालायक हाँ सुनो सर चैप्टर वन कंप्लीट हो गया अब 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 जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या है अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर के बैक से अलग आए हैं वैसे तो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी में ही कवर्ड है इसी में कवर्ड है हाँ। लेकिन जो थोड़े से अलग है वो मैं आपको करवाऊंगा तो इसका मतलब सब कुछ कवर हो जाएगा हाँ जी सब कुछ कवर हो जाएगा बात समझ आ गई दस पंद्रह मिनट और रुक जाओ उसके बाद आपको जो बात करनी हो आप कर सकते हो ठीक है मैं दस मिनट के लिए चैट बंद कर रहा हूं इधर आ तो सर अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा गया होगा वट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी मैं आपको पढ़ा के आया था सेकेंडरी बुक्स प्रिंसिपल बुक्स क्या होता है लेजर होता है

क्या बोलता है सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन द लेजर बुक सबसे पहले जितने भी आपके जर्नल में अकाउंट आ रहे हैं कैश अकाउंट सेल अकाउंट मशीन अकाउंट डेटर अकाउंट वो सब अकाउंट आप क्या करोगे लेजर में ओपन करोगे एंड एंट्रीज फ्रॉम लेजर पोस्टेड टू टू अकाउंट अकॉर्डिंगली सिंपल सी बात है इसके बाद उसके बाद उसके बोलते हैं और बाय कह रहे इट इज अ जनरल प्रैक्टिस अकाउंटिंग कन्वेंशन जी कि भाई मैं क्या करता हूं डेबिट साइड पे टू लिख देता हूँ और क्रेडिट साइड पे बाय लिख देता हूँ टू इज यूज इन द पर्टिकुलर कॉलम जो आप डेबिट साइड पे लिखते हो द वर्ड बाय इज इन द क्रेडिट क्रेडिट साइड पे हाँ जी बिल्कुल सही बात है ठीक है कह रहे टू और बाय का कोई मीनिंग नहीं है बस लिख देते हैं ओके द द अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल शुड डेबिटेड इन द लेजर बट रेफरेंस शुड ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रेडिट अकाउंट इसका मतलब कि आपको पता है पर्टिकुलर में आप क्या लिखते हो पर्टिकुलर में आप लिखते हो जो उसका ऑपोजिट अकाउंट होता है हाँ। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है तो कैश अकाउंट को डेबिट करोगे लेकिन लिखोगे क्या टू सेल्स बस उसी की बात कर रहा है तो वैसे तो हमको आता ही है कि भाई जर्नल से लेजर में कैसे पोस्ट करना है लेकिन आपके क्यों क्योंकि पहली बार आप ट्रांजेक्शन जहां पर रिकॉर्ड करते हो वो सब्सिडरी बुक है हां जी। और लेजर भी है प्रिंसिपल बुक भी है क्योंकि हम कैश अकाउंट बनाते नहीं है क्या बोला कैश ट्रांजेक्शन स्ट्रेट अवे रिकॉर्डेड इन द कैश बुक फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन बुक में और क्योंकि बेसिस कैश बुक इज एडरी बुक ये सर बट द कैश बुक इट सेल्फ सर्व एज द कैश अकाउंट सर कैश अकाउंट एन द बैंक अकाउंट मतलब ना तो मैं कैश अकाउंट बनाता हूं ना ही मैं बैंक का अकाउंट बनाता हूँ बैलेंस इज आर ट्रांसफर्ड टू द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली मैं यहां पे कोई अलग से अकाउंट रिपेयर नहीं कर रहा हूं इसीलिए सर इसीलिए क्या बोला गया इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर ऑल्सो मतलब जो चैप्टर है, है उनमें से कौन से थ्योरी बनती है वो मैं आपको ठीक है सर एडवांटेजेस ऑफ अ थ्री कॉलम कैश बुक का मतलब क्या हो गया क्या एडवांटेज होते हैं सिंपल सी बात है क्योंकि आप एक ही जगह पे कैश बैंक की ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो हाँ जी तो आपको उनके बैलेंसेस वहीं पे पता चल जाते हैं करेक्ट है सर डबल एंट्री वहीं पे खत्म हो जाती है देखो द कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट आर साइमल्टेनियसली डबल एंट्री क्या बोल रहा है सर डबल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है कैश बुक में जिसको हम क्या बोल देते हैं सर कॉन्ट्रा एंट्री करेक्ट कि कैश और बैंक की एंट्री वहीं पे खत्म हो गई आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा करेक्ट है दस कॉन्ट्रा एंट्री कैन बी क्रॉस चेक वहीं पे हां जी वहीं पे ये बात तो सही है है ना आपके गलती के चांसेस कम हो जाते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैश इन हैंड कि आपके पास कैश कितना पड़ा है सर बैंक बैलेंस कितना है क्विकली क्योंकि मुझे, आया हुआ किस में सर आपके? RTP, में. मुझे बताओ मेटी क्या मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा आराम से कर पाऊंगा क्या बोला इसने कैर इट रेफर टू ऑल रिलेटिवली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट आइटम्स मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल <coughs> स्टेटमेंट में सिर्फ वही चीजें डिस्क्लोज करता हूं जो क्या होती है सर इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है सर दैट माइट द डिसीजन ऑफ द यूजर मेटीरियलिटी में डिसाइड कैसे करता हूं यूजर को सोच के कि क्या ये इंफॉर्मेशन यूजर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है तो इसका मतलब वो मेटीरियल है मेटीरियल का मतलब क्या होता है कि मेरे को इसको अलग से डिस्क्लोज करनी है है ना कि भाई अगर एम्प्लॉय का स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है चाहे पानी का खर्चा है हाँ क्या मुझे अलग से दिखाना है या इसको मिसलेनियस में डाल दो मिसलेनियस में डाल दो मतलब वो नहीं है 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 बात समझ आ गई ठीक कंजर्वेटिज्म सबको पता प्रूडेंस क्या बोलता है कि भाई हमें क्या करना होता है शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम लेकिन सारे के सारे पॉसिबल लॉसेस को मुझे रिकॉर्ड करना होता है हाँ जी बिल्कुल सही बात है ठीक है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम जो ऑर्डनरी नहीं है मतलब सर ऐसे आइटम जो बिजनेस में रेगुलर नेचर में नहीं होते हैं

डिबेंचर्स में क्या होता है डिबेंचर्स में चार्ज होता है चार्ज <coughs> का मतलब क्या होता है कि चार्ज होता है चार्ज ऑन एसेट्स इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि इन केस अगर आपने एज अ कंपनी आपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे नहीं करा है ना तो क्या होगा तो आपके एसेट बेच दिए जाएंगे और इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो चार्ज एसेट्स पे दो टाइप का होता है एक होता है फिक्सड चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या होता है फिक्स्ड मतलब ऑन स्पेसिफिक एसेट कि आपने बोला कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग पे चार्ज लगा दो मतलब मतलब अगर अगर इन केस आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के पैसा रिकवर करेंगे और इंटरेस्ट पे करेंगे ऑन स्पेसिफिक एसेट और किसी एसेट को नहीं बेचेंगे नहीं फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है इट कवर्स ऑल एसेट मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है नहीं कवर्स ऑल एसेट हाँ जी फ्लोटिंग है कि आपने सारे एसेट पे लगा दिया कि भाई अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो कोई ना कोई एसेट बेचेंगे ठीक है जो भी उस टाइम पे सुटेबल होगा उसको बेच के पैसा रिकवर करेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया फ्लोटिंग चार्ज क्या बोलता है, फ्लोटिंग अच्छा, किसी पे कोई नहीं है बात समझ आ गई गिवन एज अरिटी अगेंस डेट क्लियर है इसके बाद क्या बोलता है समझा सकते हैं को करो जब वो हो रही है ऑल राइट right. अब उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोलता है द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ठीक है पीपी इट कंप्राइजेस ऑफ एनी कॉस्ट डायरेक्टली एंट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन फॉर इट टू केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग सिंपल सी बात बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं अपने P -P, P -P का मतलब क्या होता है आपका फिक्स एसेट अपने फिक्स एसेट में वो सारी की सारी कॉस्ट इंक्लूड करता हूं जो सारी कॉस्ट जरूरी होती है उस एसेट को रेडी टू यूज बनाने में यही होता है यहां बोला गिव एनी फाइव एग्जाम्पल बहुत आसान क्वेश्चन है सर इंस्टॉलेशन का खर्चा आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ये सुनो नो हाई ना आपने कोई लोडिंग अनलोडिंग कराई है राइट right? कोई भी एम्प्लॉय से काम करवाया सर साइट का प्रिपरेशन ये सुनो साइट का प्रिपरेशन आपका टेस्टिंग का खर्चा देखो ध्यान से कह है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि मान लो आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो वहां पे आपने एम्प्लॉय से कुछ भी काम करवाया ये yes, सर आपने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बनाने में या खरीदने में एंप्लॉय से कुछ भी काम कराया तो वो जो आपका एम्प्लॉय का खर्चा है वो उसमें ऐड होगा सिंपल सी बात है कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन मैंने इसमें एग्जांपल दे रखा अपनी क्लास में क्या एग्जांपल दे रखा है कि मां आपने देखा होगा बहुत सारे होटल्स के बाहर हॉस्पिटल्स के बाहर बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं है ना वो जेनरेटर जमीन पर नहीं होते उसके लिए एक लेवल बनाया जाता है ऐसा एक लेवल होता है ना ऐसा ऐसा एक प्लेटफॉर्म सा होता है उसके ऊपर जनरेटर को रखा जाता है ये सर रखा जाता है हाँ जी बिल्कुल रखा जाता है ऐसा प्लेटफॉर्म होता है और यहां पे ऊपर जनरेटर होता है इसका मतलब क्या है कि उस जनरेटर वो जनरेटर क्या है सर आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये क्या है साइट का प्रिपरेशन जब तक ये साइट प्रिपेयर नहीं होगी वो जगह प्रिपेयर नहीं होगी आप उस एसेट को यूज नहीं कर पाओगे इसलिए वो वाला खर्चा डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट सर जहां से आपने मंगवाया मंगवायास सर डिलीवरी का कॉस्ट हैंडलिंग का कॉस्ट इंस्टॉलेशन का कास्ट ये सर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग अब कुछ ऐसी मशीन होती हैं

पांच पांच आप आराम से बता पाएंगे आराम से बता पाएंगे क्या बोला ऑल दी एक्सपेंसिस विच नेसेसरी फॉर एसेट टू ब्रिंग इट इन कंडीशन एंड लोकेशन ऑफ यूज विल बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट सिंपल सी बात है जी सिंपल सी बात है ठीक है लास्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ क्या सर कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या बता सकते हो कैश मतलब कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करूंगा जब मेरे को रिसीव होगा सर पैसा रिसीव होगा तब रिकॉर्ड करूंगा पैसा पे करूंगा तब रिकॉर्ड करूंगा दैट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली इफ कैश रिसीव और पेड सर मर्केंटाइल कुछ नहीं है मर्केंटाइल इज अक्रूवल सिस्टम कि जब वो ट्रांजेक्शन हो रही है मैं तब उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तब रिकॉर्ड कर रहा हूं बात समझ रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है देखो यहाँ पे एक चीज और भी होती है कि आपको यहाँ पे देखो ध्यान से सर कैश सिस्टम इज फॉलोड नॉर्मली बाय प्रोफेशनल छोटे छोटे बिजनेस जो आपके छोटे बिजनेस होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीजें तो कैश बेसिस में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता ज्यादा आपको प्रोफेशनल नॉलेज नहीं चाहिए लेकिन मर्केंटाइल के टाइम चाहिए हाँ जी बिल्कुल सही बात है मर्केंटाइल इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कैश जनरली एक्सेप्टेड नहीं है तो अगेन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये सर थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैंने कवर करा दिया आप अपनी बुक चेक कर लो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लो आप एम चेक कर लो आर चेक कर लो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छुड़वाया ठीक है और एग्जैक्ट <laughs> सर एग्जैक्ट तीन घंटे क्या हुआ था तीन घंटे कहा था मैंने अरे तीन घंटे कहा था ना मैंने हाँ बस ठीक है फैंटास्टिक हा पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी ठीक है बता तो दिया बेटा फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है सारे एसेट्स पे चार्ज है कोई भी एसेट बेच सकते हो कोई स्पेसिफिक नहीं हैडी फैंटास्टिक right, hmm, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से सर मैंने दो क्लास अभी और लेनी है दो क्लास कौन सी है एक तो मैं क्लास लूंगा ट्रू फॉल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है उसमें मान लेना कि आपके बारह नंबर पक्के हो जाएंगे सारे चैप्टर्स के ट्रू फॉल्स मैं आपको एक ही क्लास में करवा दूंगा ठीक है सारे आर टीपी एक ही क्लास में हाँ अगेन वो दो से तीन घंटे की क्लास होगी वो मैंने स्केड्यूल कर रखी है और मैं एम टीपी वन और एम टी पी टू का डिस्कशन करने वाला हूँ पूरी सॉल्व नहीं करूंगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं वहां पर डिस्कस करूंगा हाँ जी बिल्कुल सर ठीक है राइट एवरीबडी ओके चलो भाई ठीक है ठीक है ठीक है फैंटास्टिक अगर आपको समझ में आ गया हो तो मेक श्योर sure इस टाइम पे बेटा थोड़ा सा भला काम करोगे है ना तो नंबर ज़्यादा आएंगे तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए हंड्रेड परसेंट थ्योरी कंप्लीटेड और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में राइट right, एवरीबडी चलो बाय 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 एवरीवान टेक केयर अभी बड़ी चले पेपर का पैटर्न वो बेटा मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा उसमें बता दूंगा आपको ठीक है ओके चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अभी बड़ी बाय इसको मैं बंद क्यों नहीं करता टना